कोई भी नहीं आया। एक आया, आइए आइए। मुहूर्त का टाइम निकला जा रहा है, आप सोए पड़े। मुहूर्त का टाइम तो 2.5 घंटे पहले निकल चुका है। सॉरी, आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। साले मेहमान आए क्यों नहीं अभी तक? तुमने तो 25 बुला रखे थे, कहाँ है वो? हाँ, तुम्हारे 25 तो आ चुके हैं सारे। मेरा मन कहता है मेहमान जरूर आएंगे, इंतजार करते हैं। तो अब तक क्या कर रहे थे? तो करने पड़ेगा ना सुधीर, धंधा नहीं चलाना है। 7,500 धर्मसी से उधार लिए हैं और 2,500 कुंदन शाह से लिए हैं, वो लौटा। और ऊपर से आज का खर्चा? हाँ वो भी है। कितना हुआ ये सब? 1,000 से ऊपर। धीरज रखो यार, धीरज रखो। मेहमान आएंगे, जरूर आएंगे, मैं कह रहा हूं। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओहो, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। इसे हमेशा याद रखो सिद्धि, कड़ी मेहनत और ईमानदारी का फल हमेशा मीठा मिलता है। लेकिन कब मिलता है? अब वो तो डिपेंड कर मेहमानों के लिए। यार मैंने आपको कितनी बार कहा था पतलून मेरे साइज की लाइएगा, ये आप तंबू कहां से उठा लें? यार शुक्र करो लॉन्ड्री वाले ने यही दे दिया, वो तो ये भी देने को तैयार नहीं था। और फिर जिंदगी में बंबू और तंबू तो मिलते ही रहते हैं, एडजस्ट करना पड़ता है, हम भी तो कर रहे हैं। ये ऐसे ठीक लगता है? यस यस, क्वाइट, आई मीन कैजुअल। मेहमान आ रहे हैं, मैं पढ़ाऊ, मैं जाके रिसीव। लेकिन बुला तो मैंने, शी इज माई गेस्ट। हेलो शीला, हाउ आर यू? कब से इंतजार कर रहा हूं तुम्हारी, देर क्यों कर दी? मम्मी नहीं आई क्या? चलो चाय के लेके ले, मैं कुछ। रॉन्ग नंबर डायल, ठीक क्या करो? यस बॉस। हेलो मिस्टर, मिस्टर गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेलकम वेलकम। इस शहर के सबसे ब्यूटीफुल ब्यूटी फोटो स्टूडियो का 50% मालिक विनोद सुधीर आपका हार्दिक स्वागत करता है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेलकम वेलकम। विनोद हमें स्वागत करता है और आप कैसा हसीन अल्लाह। कामदार स्टील की कैंची से रिबन काटिए। थैंक यू मिस्टर कामदार। ठहरिए ठहरिए मिस्टर कामदार, जैसा कि आप जानते हैं एक बहुत ही बड़ी मैगजीन खबरदार के असिस्टेंट एडिटर हैं।
खबरदार मैगजीन जो हमारे समाज में छिपे हुए भ्रष्टाचारियों का पर्दाफाश करती है। ठीक हमारी दुकान के सामने खबरदार मैगजीन, हमारी दोस्त, हमारी चाहने वाली। हमें उम्मीद है कि भविष्य में मिस्टर कामदार की वजह से इनका फोटोग्राफ का काम हमें ही मिलता रहेगा। और अब मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं मिस्टर कामदार से रिक्वेस्ट करूंगा कि अब वो रिबन काटे। मिस्टर कामदार, कामदार अंदर चलिए। थैंक यू सर, हमने आपके हुक्म के मुताबिक सारा काम कर दिया सर। अब उनका एक भी मेहमान वहां पहुंच नहीं पाएगा सर। गुड, हमने उनकी टेबल, चादर, बियर, समोसे, गुलाब जामुन सब तहस-नहस कर दिए सर। गुलटी फोटो स्टूडियो का शटर डाउन हो चुका है सर। शाबाश शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। लगता है कुछ मेहमान आ गए। से इंतजार कर रहे हैं, एक भी ग्राहक नहीं आया। आज तुम दिखी हो, तुम ही आ जाओ। आओ ना, और पास, और पास, और पास, और पास, हाँ, और पास, और पास, हाँ, और पास, और पास। तुम कब आए? खबर से काम मिला? कुछ नहीं मिला यार, अभी अभी कामदार से मिल के आ रहा हूं। ऐसे कब तक चलेगा? कोई तरकीब सोचो। तरकीब तो कितनी बार तुम्हें बता चुका हूं, एक ही है, गुड सेल्समैनशिप। बैठे हुए लड़कियों के फोटो खींचते रहते हो, जब ग्राहक आए तो उसका दिल जीतो। लेकिन कोई ग्राहक आए तब ना। नहीं आ रहे? और बिटिया रानी कैसी है मिस्टर मल्होत्रा? और ये लीजिए मिस्टर ग्रोवर, भाभी जी के फोटो। अच्छा अच्छा, वो राइट राइट। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत अच्छे, वाह साहब वाह, क्या कंपोजिशन है, क्या फ्रेमिंग है। वो क्या बात है, मेरा मेरी बीवी वैसे देखने में बहुत मामूली है, लेकिन उन्होंने इसे इतना खूबसूरत बना दिया है। लगता है आपने फोटोग्राफी में कोई डिप्लोमा किया है? जी नहीं, डॉक्टरेट। डॉक्टरेट? ओह,
अच्छा अच्छा तभी इतनी खूबसूरत है, वाह डॉक्टरेट किया है साहब। देखिए देखिए आप भी देखिए। हेमा मालिनी किसी फिल्म स्टार से कम नहीं लगती ना। आ, तुम्हें सिखाना किसी का ऑफिस बना दूं? 20,000। 20,000? 20 हजार बाद में तो और कुछ मिस्टर लूथरा। अरे आप मेरा पीछा छोड़िए मिस्टर लूथरा साहब को अटेंड कीजिए ना, कब से खड़े हैं। तो बताइए क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी। भाई साहब ले लीजिए आप। लेकिन आपको फोटो नहीं खिंचवाना है? आप फोटो जरूर खिंचवाइए, मैं बता रहा हूँ ही इज अ वेरी गुड फोटोग्राफर। बहुत अच्छे। ये मेरे को तो क्या है उसके नहीं नहीं के लिए हो, हम तो आप कैसा फोटो खींचेंगे कितने की सारी औरतें दिल थाम के। मैंने बताया था कमाल के सेल्समैन, कमाल के सेल्समैन, आपको जाने नहीं देंगे। जाने मत देना। नहीं जाने दूंगा। तो आइए आइए इस तरफ आइए, स्टूडियो चलिए चलिए चलिए, लाइट चली जाएगी, चलिए अंदर। आप दोनों मुझे किधर ले जा रहे हैं? क्या बात है, आपकी नाक मोटी है उसे पता है। चलिए चलिए भाई, मेरी बात तो सुनो। आप हमारी बात सुनिए, कहीं भी पैसा नहीं कमाए 3 महीने से। चलिए अंदर चलिए, कैमरा चेक कर यार, देखता हूँ फोटो कैसे खिंचवाता है ये। बैठिए। ओके रेडी चलो बस। अब बोलिए मैं आपके लिए कितनी कॉपीज मंगा दूं? जी मैं इधर फोटो खिंचवाने के लिए नहीं आया हूँ। तो फिर किस लिए आए हैं? ये दुकान कहा किराया वसूल करने के लिए आया हूँ, जो आपने 3 महीने से मकान मालिक को नहीं दिया है ना वो। किराया? किराया? अरे किराया आप लेने आए थे तो मैं पहले क्यों नहीं बता? आपने मुझे मौका ही कब दिया? मैं इतना बिजी रहते हैं हम लोग, मौका ही नहीं मिलता, इतने का ध्यान ही नहीं रहता। आप ऐसा कीजिए, आप चलिए, अभी मेरे पार्टनर के आते ही चेक भिजवाता हूँ। ओके बाय बाय। आपको मुझे वो हेमा मालिनी का पोस्टकार्ड दिखाने की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी? और आप उसे पोस्टकार्ड दिखाने की क्या जरूरत थी? आप लोगों के लिए काम लेकर आया हूँ भाई। काम बैठिए ना, काम बैठिए ना, बैठिए। कहिए क्या काम? मैंने आप दोनों को कान दिलवाने के लिए एडिटर को बड़ी मुश्किल से राजी कर लिया है। आपने क्यों तकलीफ की? हमें बुला भेजा होता, हम चले आते। आप बताइए। मगर ये ट्रायल असाइनमेंट है। चलिए बताइए। आप दोनों को इतना अच्छा काम करना पड़ेगा कि एडिटर खुश हो जाए। बेफिक्र रहिए कामदार साहब, वी विल डू आवर बेस्ट। क्यों सुधीर? ए छोड़ो, पहले पूरी बात तो सुन लो। देखो सुपर फोटो स्टूडियो में मुझे सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए चीफ गेस्ट बनाया गया था। मालूम है। एक बात का ख्याल रखना, खबरदार मैगजीन का हर एक काम बड़ा सीक्रेट होता है। सीक्रेट है क्योंकि यहाँ पर शहर के बड़े बड़े लोगों की पोल खोली जाती है। ओह, और हाँ वो साथ वाले फोटो स्टूडियो के अशोक। अरे बात क्या है? आओ हे इधर आओ। बाजू वाले फोटो स्टूडियो के अशोक से जरा होशियार है? हाँ होशियार है, क्योंकि वो तरनेजा का आदमी है। तरनेजा साहब कौन है? ये स्टूडियो उसने इसीलिए बनवाया है ताकि वो खबरदार मैगजीन के खिलाफ जासूसी कर सके। लेकिन ये बहू है कौन? हे तरनेजा को नहीं जानते आप लोग? शहर का सबसे बड़ा बगुला भगत, भ्रष्टाचारी, करोड़ों का हेर फेर करने वाला, बड़ी बड़ी सड़कें, फ्लाईओवर्स और स्काई स्क्रैपर्स बनाने वाला। सर वो आपके कहने के मुताबिक हमने 2000 सीमेंट की बोरियां ब्लैक में बेच दी। इडियट! कितनी बार कहा है तुमसे कि ऐसी बातें दबी आवाज में कही जाती हैं? आई एम सॉरी सर,
पर वो क्या है कि हमारे पास स्टॉक में सिर्फ 5,000 सीमेंट की बोरियां हैं और हमें चाहिए 10,000। वो कच्छ के रेगिस्तान का नाम सुना है तुमने? जी हाँ सर, काफी बड़ा है। बहुत बड़ा है, उसे और बढ़ने मत दो। रेत मिला और जितनी बोरियां चाहिए उतनी बनाओ, 10,000, 20,000, 30,000। पर सर उससे बिल्डिंग को काफी नुकसान हो सकता है। बिजनेस का एक ही मतलब होता है तो यानी दूसरे का नुकसान और अपना फायदा। एक्सक्यूज मी सर, सुबह म्युनिसिपल सर्वेयर साहब से बात हुई, उनका कहना है कि हम तरनेजा टावर की 24वीं मंजिल नहीं बना सकते। ये गैर कानूनी है। कानून आम आदमी के लिए होता है, तरनेजा के लिए नहीं। जाओ 24वीं क्या 25वीं मंजिल पे बनाओ। 25 इज अ राउंड फिगर सर। कमिश्नर साहब आ गए। तरनेजा चोयो चो में आया। क्या बात है अमेरिका का, उधर पीने का पानी अलग और गटर का पानी अलग। हम लोग बहुत पीछे है, हमें कुछ करना चाहिए लेकिन नहीं करने को सकता। अमेरिका की तो बात ही कुछ और है। हम लोग गटर में उनसे पीछे और बिल्डिंगों में उनसे नीचे हैं सर। ओह यस। 100 मंजिलों की इमारतें होती है वहाँ सर। ऑफ कोर्स हम देखा है। अरे हाँ डिमेलो, याद है वो सरकार ने अनाउंस किया है कि जो बिल्डिंग झोपड़पट्टी के इलाके में बनेंगी उन्हें ज्यादा वो क्या वो FSI और ज्यादा मंजिलें बनाने को मिलेंगी और हमें 24-25 की परमिशन नहीं मिल रही है। कमाल है सर। तनेजा लेकिन इधर झोपड़पट्टी किधर है? यहाँ से नहीं दिखाई देती डिमेलो, लेकिन 24वीं और 25वीं मंजिल से बिल्कुल साफ नजर आती है। मुंबई की 40% आबादी, 40% आबादी जो है वो झोपड़पट्टी में रहती है। हम चारों तरफ उनसे घिरे हुए हैं सर। वो देखिए सर। इसलिए सर हमें परमिशन तो मिलनी ही चाहिए। Don't you feel so sorry? Of course, yes, yeah, I am feeling it. सर ठीक है, 24वां मंजिल बनाओ। थैंक यू सर, थैंक यू। लेकिन इसका बाद एक फुट भी ज्यादा परमिशन देना इम्पॉसिबल है। Come on, Dimelo. आपसे पहले वाले कमिश्नर कहा करते थे that nothing is impossible, you know. He was a corrupt man. लेकिन हमारा कुछ उसूल है। हम एक जिम्मेदार ऑफिसर हूँ। और तुम क्या समझता है ये म्युनिसिपालिटी हमारा बाप का है? नो सर, आपका है। ठीक है हमारा है, लेकिन फिर भी 25वां मंजिल का परमिशन हम नहीं देने को सकता। सॉरी डिमेलो, मैं एक लॉजिक की बात कहूँ। मान लो आज तुम्हारा जन्मदिन। जन्म बर्थडे? यस यस। और मैं तुम्हें तुम्हारी बर्थडे पे एक प्रेजेंट देता हूँ, तोहफा, राइट? एक चेक सर 99,999 रुपए का। तो ये रकम तुम्हें कुछ अटपटी लगेगी ना? हाँ जरूर लगेगा। हाँ लगनी ही चाहिए क्योंकि ये राउंड फिगर नहीं। राउंड फिगर होती है 1,00,000। राइट तनेजा, तुमसे लॉजिक में जीतना बहुत मुश्किल है। ठीक है बनाओ 25वां मंजिल। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर अ नाइस बर्थडे गिफ्ट। अच्छे केक मंगवाओ और डिमेलो के यहाँ पहुँचाओ। यस सर। और सुनो तुम खुद जाना। हाँ हम दोनों चले जाएंगे सर। सुना है स्विट्जरलैंड का केक बहुत अच्छा होता है। स्विट्जरलैंड का केक भी खिलवा देंगे डिमेलो। हाँ तो वो बांद्रा के कब्रिस्तान के बारे में क्या सोचा तुमने? ये बांद्रा का कब्रिस्तान का क्या लॉजिक है? वेरी सिंपल सर, बांद्रा का कब्रिस्तान एकदम फुल हो चुका है, यहाँ तक कि नो एंट्री का बोर्ड भी लग गया है। बहुत अच्छा बोर्ड है सर। और आप तो जानते ही है सर कि मिस्टर तरनेजा का ये बचपन का सपना है कि जमीन पर एक ऐसी बिल्डिंग खड़ी की जाए जो आसमान से बातें करे। नो इम्पॉसिबल। बिल्कुल हो सकता है डिमेलो। नहीं तरनेजा, नहीं हो सकता है। नो जीसस क्राइस्ट, कम से कम मुर्दा लोग को तो चैन से रहने दो, उनको काय को तंग करता है। आप क्या कह रहे हैं मिस्टर डिमेलो, बेसमेंट में तो वही रहेंगे ना? नो माई डियर, दिस लॉजिक इज नॉट करेक्ट। अब हमारा लॉजिक सुनो, कब्रिस्तान का बाजू में एक पार्क है। कब्रिस्तान को हटा के उधर पार्क बनाओ, बच्चा लोग का झूला लगाओ और पार्क को हटा के
उधर एक लंबा बिल्डिंग ठोक दो और 25th फ्लोर पे दो फ्लैट हमारा। करने जा, वो माहिम वाला फ्लाईओवर का क्या हुआ? हाँ, 3 साल हो गया, कभी पूरा होएगा? जल्दी हो जाएगा डिमेलो। लेकिन बातें पुलों के कॉन्ट्रैक्ट्स भी मुझे मिल रहा है ना? बैठ के बात करते हैं, हमारा बीच हाउस पे आ जाना। हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात याद आ गया, एक्सक्यूज मी। ये खबरदार मैगजीन, ये हमारा बारे में क्या उल्टा सीधा खबर छापता है? यहाँ तक कि हम आपसे घूस लेता है वो भी छापा है ये। ये हमारा अंदर का बात उसको कैसा मालूम पड़ता है? घबराओ मत डिमेलो, खबरदार जैसी मक्खियां तो भिनभिनाती रहती हैं, इनका इलाज मैं कर लूं। हाँ कुछ करो, वरना हमारे जैसा ईमानदार आदमी मारा जाएगा। बाय बाय। ओके, सी यू डिमेलो। ओके, केक जरूर लाना। ओके सर, ओके। तुम मत आना। अशोक, यस सर। खबरदार को संभालना तुम्हारा काम है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, उन्हें शक भी ना हो कि तुम हमारे लिए काम कर रहे हो। ओके सर, ओके। मैडम मैडम, हमारे लास्ट इशू ने तो उनकी सिर्फ धज्जियां उड़ाई थी, लेकिन इस बार देखना मैडम, हमारा अगला इशू तो उनके लिए धमाका साबित होगा। जब तरनेजा टावर्स की 24वीं 25वीं मंजिल की पोल खुलेगी ना, तो उनकी नींद हराम हो जाएगी। कामदार। यस मैडम। बिहेव योरसेल्फ। यस मैडम। इसमें इतनी उछलने की क्या बात है? इन छोटे मोटे सबूतों से तरनेजा नहीं टूटने वाला। रीते साहिबा, वो मशीन नंबर 2 खराब हो गई है। तो फर्नांडिस कहाँ है? जी वो आज छुट्टी पे, आज फर्नांडिस की वाइफ की शादी है। किससे? जी फर्नांडिस से। ओफो, ये प्यार और ये शादियाँ क्या बेवकूफी है। अच्छा चलो, मैं खुद आके देखती हूँ। जी कमान कमान, आई वांट एक्शन। यस एक्शन। माशाल्लाह माशाल्लाह हुजूर, आज तो आप चांद की तरह चमक रहे हैं। हुजूर को कहीं नजर ना लग जाए। थैंक यू जावेद, थैंक यू। अरे देखना अंदर कैसे चमकते हैं, ये एडिटर शोभा की आफत चले आ जाएगी। क्यों नहीं, अरे क्या क्या छापती है हमारे खिलाफ। अरे देखना, काम के बहाने तरनेजा साहब के खिलाफ सारे सबूत तोड़ा ले जाऊंगा। हुजूर लट्टू हो जाएगी लट्टू। किससे पूछे? एडिटर कहाँ? एडिटर कहाँ? ओफो। उसे गलती हो गई शोभा जी, प्लीज शोभा जी, समझने की कोशिश आप। शोभा जी का बच्चा प्लीज लो। शोभा जी, शोभा जी। यस मैडम। ये दोनों अंदर कैसे आए? जी वो आप सो रहे हैं? नहीं मैं उन्हें देख रहा था। वो जो ब्यूटी फोटो स्टूडियो को काम दिया था वो हुआ कि नहीं? वो हो रहा है मैडम। हो रहा है? क्या हो रहा है? आपसे कुछ नहीं होगा। नहीं मैम, मुझे खुद जाना पड़ेगा। जाके देखती हूँ वो लोग हमारे काम की और भरोसे के लायक है भी या नहीं। क्या माल है, क्या धमाका। ये तो यही आ रही है, ग्राहक है। विनोद ने क्या कहा था? एक्सेलेंट सेल्समैनशिप। आप दिखाता हूँ। आइए आइए आइए, वेलकम, गुड मॉर्निंग। शहर के सबसे ब्यूटीफुल ब्यूटी फोटो स्टूडियो का 50% मालिक आपका स्वागत करता है और आपका ऐसा हसीन और लाजवाब फोटो खींचने का वादा करता है जिसे देख के दुनिया के सब मर्द थाम के रह जाएंगे। देखिए मिस्टर, मेरे आने की जानता हूँ। एक प्रोफेशनल कैमरामैन होने के नाते मैं आपकी आंखों में झांक कर देख सकता हूँ कि आपके दिल में क्या है। एक मॉडल बनने का सपना, और वो सपना सिर्फ एक आदमी साकार कर सकता है, और वो है सुधीर। मिस्टर सुधीर, शर्माइए मत। मॉडलिंग की सबसे बड़ी टैलेंट यही है कि आप बेशरम हो जाएं। देखिए देखिए, इधर देखिए, और इसे देखिए, और इस हसीना को देखिए। पहली बार जब ये स्टूडियो में आई थी तो बुरखा पहनकर आई थी, और अब और आप तो इससे भी आगे निकल जाएंगी। आई एम डैम कॉन्फिडेंट। तो आइए, आपके भविष्य का दरवाजा बोले जा रहे डार्क रूम। ठीक है, बाद में निपट लूंगी। तो अब आप आइए, मैं आपको कुछ नए नमूने सिखाता हूँ मॉडलिंग के। बैठिए, ये बाल दाहिने कंधे पे लाइए, इस तरह से, राइट। और उधर देखिए, आंखों में सेंसुअलिटी लाइए, पैशन लाइए,
पसीना आ रहा है, जाइए मैं पहुंचा दूंगा आप मत हिलिए। मैं वादा करता हूं कि मैं सिर्फ फोटो खींचूंगा और फोटो के अलावा और कुछ नहीं खींचूंगा। एक कैमरामैन और मॉडल का रिश्ता वैसा ही होता है जैसे किसी एक डॉक्टर का और मरीज का, उनके बीच में कोई पर्दा नहीं होता। सारे पर्दे गिरा दीजिए, आओ। गुड, पैक अप, काम खत्म। जी नहीं, असली काम तो अब शुरू होगा। जानते हो मैं कौन हूँ? मैं खबरदार की एडिटर हूँ। एडिटर लाओ, कामदार ने जो काम सौंपा था वापस करो। ओ, तो आप शोभा जी हैं, ग्लैड टू मीट यू। मैं समझा कि आप रीटा हैं, एक स्ट्रगलिंग मॉडल। खैर, मुझे गलती हो गई, उम्मीद है आपने मुझे माफ कर दिया होगा। थैंक यू। शट अप, काम वापस करो वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। पुलिस? मैं अभी लेकर आता हूँ। अरे सुधीर कहाँ है? कहाँ गायब है? गायब है। गुड मॉर्निंग, वेलकम वेलकम। इस शहर के सबसे ब्यूटीफुल ब्यूटी फोटो स्टूडियो का 50% मालिक विनोद आपका हार्दिक स्वागत करता है और आपका एक ऐसा हसीन और लाजवाब फोटो खींचने का वादा करता है जिसे देखकर दुनिया के सारे मर्द दिल थाम के बैठ जाएंगे। एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर होने के नाते मैं आपकी आंखों में झांक कर देख सकता हूँ कि आपके दिल में क्या है। एक मॉडल बनने का सपना। और उस सपने को एक ही आदमी साकार कर सकता है और वो है विनोद। विनोद, सुधीर कहाँ गायब हो गए थे? कहाँ गायब हुआ है? अब इसे देखिए, फॉर एग्जांपल। और इसे देखिए। ओह वाह। और इन्हें देखिए। और इसे देखिए। जब ये पहली बार आपकी दुकान में आई थी तब बुर्का पहनकर आई थी और अब देखिए। मैं तो इससे भी आगे निकल जाऊंगी। Absolutely. You are damn confident. चलिए। आइए आइए। तो मैं आपका। Oh no! Don't disturb. मैं कहाँ पड़ा हूँ? खबरदार को मारो गोली। काम के बाद कहाँ गायब हो जाते हो? बाद में। शोभा जी कहीं भाड़ में, वहाँ बैठो डेस्क पे, हिला मत मारे। चलो। विनोद। काम चोर सा। प्लीज मेरी बात सुनिए, ग्राहक नहीं शोभा जी है। अब जरा ये जुल्फ ले लीजिए। लुक आगे रखिए, लुक आगे रखिए सामने। As if you're seeing a valley of flowers. आंखों में sensuality लाइए, passion. आपको भी पसीना आ रहा है? पहुंच देता हूं। और देखिए, एक फोटोग्राफर और मॉडल के बीच तो ऐसा रिश्ता होना चाहिए जैसा एक डॉक्टर और मरीज के बीच होता है। दोनों में कोई पर्दा नहीं होना चाहिए है? तो सारे पर्दे गिरा दीजिए। सुधीर, शोभा जी, एडिटर खबरदार मैगजीन। हेलो, मेरा काम वापस करो। वापस करो। गुड बाय। मना लिया। अरे शोभा जी, इसको भी माफ कर दीजिए। शोभा जी, इसने भी आपको रीटा समझा था, अब तो आप मान गए कि मैंने आपसे सच बोला था। सॉरी सॉरी शोभा जी, एक्सट्रीमली सॉरी। हमारी गलती नहीं है, गलती रीटा की है। और आई क्यों नहीं? भाड़ में गई रीटा, उसके लिए हम अपना रिलेशनशिप किस लिए खराब करें? सॉरी, आप प्लीज आप हमारा काम तो देख लीजिए पहले। हैं तो दोनों बेवकूफ, लेकिन काम अच्छा कर लेते हैं। इन दोनों का अच्छा इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं तुम दोनों को एक और मौका देती। ध्यान से सुनो, इस बार जो तुम्हें काम करना है वो बहुत खतरनाक है। जी। अगले शनिवार को रात के ठीक 10 बजे कमिश्नर के मड आइलैंड वाले बीच हाउस पर कमिश्नर और तनेजा की सीक्रेट मीटिंग होने वाली है। घबराओ नहीं, इस बार मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। हम लोग चुपचाप उनकी सारी बातें रिकॉर्ड कर लेंगे और फोटोग्राफ्स भी लेंगे। Wow.
ये स्विट्जरलैंड का केक है मिस्टर डिमेलो, और ये एक छोटा सा तोहफा आपके बच्चों के लिए। हाँ देखिएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच तरने। यू वेलकम मिस्टर डिमेलो। हाँ तो ये रिवाइज स्टैंडर्ड्स हैं उन चार पुलों के, फ्लाईओवर्स के, जरा गौर से देख लीजिए आप। ओके अरे ये तुम क्या करता है तरनेजा? ओरिजिनल स्टैंडर्ड तो इसमें तो लाखों का डिफरेंस है। ओरिजिनल तो बहुत कम कोट किया था। वो तो इसलिए किया था सर कि टेंडर्स पास हो सके। अच्छा इसका वास्ते किया सर, था। वो आप ही ने तो कहा था बाद में बढ़ा लेना। उल्लू का पिल्लू इतना बढ़ाने को बोला था, ये तो तुम डबल कर दिया। हमको मरवाने का है क्या? ओह नो 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 मिस्टर डिमेलो, आप ये भी तो देखिए कि टेंडर्स कब पास हुए थे, एक साल पहले, और इस बीच महंगाई कितनी बढ़ गई है। स्टील, ट्रांसपोर्टेशन, सीमेंट, लेबर, इन सब के दाम कितने बढ़ गए हैं, डबल हो गए हैं, यहाँ तक के आपके भी। प्रिया मिस्टर डिमेलो को केक तो खिलाओ। लीजिए सर। सर स्विट्जरलैंड कैसा है सर? अच्छा केक है, लवली आइसिंग, चॉकलेट सॉस, क्रीम, लवली। केला ही खा ले। नहीं केक। सर ये टेंडर्स पास हो जाएंगे ना? टेंडर्स का बात छोड़ो प्रिया, ये बताओ तुम हमको इधर मडालैंड में मिलने को आएगा ना? वो टेंडर्स देख रहा है जो तनेजा ने कमिश्नर को दिए हैं? मुझे उनकी फोटोग्राफ चाहिए हर हालत में। शोभाजी क्या कर रही हैं? मैं ठीक कह रही हूँ, कोई तरकीब सोचो। शोभाजी आप क्या बात कर रही हैं? अंदर चार चार आदमी बैठे हैं, फोटो खींचना तो दूर, वहां तो अंदर घुसना मुश्किल है। और पिस्तौल नहीं देखी आपने? औरों के पास भी होगी। मेरे पास भी है सर, ये जाम टेंडर्स के नाम। उल्लू का पिल्लू। किसने बजाई हमारी घंटी सर? हम देखता हूँ, हम देखता हूँ, नहीं मैं देखता हूँ। कमिश्नर का बावर्ची है? बावर्ची? उसका बोला टाइम और न्यूज़वीक का रिपोर्टर आया है, उसका इंटरव्यू लेने को। अमेरिका का मशहूर मैगजीन टाइम और न्यूज़वीक? ओह नो। ये। क्या किस्मत है मेरा, हम ही कमिश्नर हूँ। आई नो इट कैन नॉट बी, अभी अभी तुम बोला तुम उसका बावर्ची है। हम किधर बोला? इधर बोला, तुम इधर खड़ा था, राइट? हमारे अमेरिका में एक दूसरे को ऐसा सलाम करता है। हमारा भी सलाम। बोलो हम तुम्हारा क्या सेवा कर सकता हूँ? योर मोस्ट हम्बल गवर्नमेंट सर्वेंट। हम तुम्हारा इंटरव्यू लेने को मांगता, हम हस्बैंड वाइफ। चलो अंदर चलते हैं। नहीं नहीं रुको, हम जरा सफाई करके आता हूँ। प्लीज इधर से चलो, हमारा एक क्या हुआ सर? हमारा बहुत ही वीआईपी इंपॉर्टेंट गेस्ट आया। प्लीज क्या बात क्या है? अच्छा बात है रमनेजा, प्लीज हम बैठ नहीं चलो। लेकिन सर हमारे वो टेंडर्स। ओह टेंडर्स वेंडर्स सब बात में करेगा, चलो चलो जाना है। लेकिन ये सामने वाला था, प्लीज वो प्लीज सुन लो। ए डिमेलो डॉट कॉम डॉट नहीं है, फोटो घर में बुला दिया उसके बाद। चलो सर आप भी तो आइए। चलो अंदर। कहां भेज रहे हो भाई तुम हमें? हम बात में आएंगे। चलो ए ट्राई अंदर। ए डिमेलो डॉट कॉम वेरी मच। कहां गए? कहां घुसा दिया हमको? सुख स्विच सुनो, स्विच सुनो, स्विच। यस सर। ये मिल गया। ओ सर ये तो मेरी नाक है, स्विच नहीं है। ओ शिट, ओ मेरी कमीज सर। ओ स्विच। क्या हुआ प्रिया डार्लिंग? कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं, हम लोग स्विच ढूंढ रहे थे। तुम भी स्विच ढूंढो, चलो स्विच। हाँ प्रिया स्विच ढूंढो जरा। प्लीज कम इन, हमारा घर। केक। जब से हम इंडिया में आया है सब केक खिलाता है, जैसे हमारा कंट्री में कोई केक के सिवा कुछ खाता नहीं है। हम केक खा खा कर थक गया हूँ, फिर भी खा लेता हूँ। अच्छा लगा, स्विट्जरलैंड का है। थैंक यू थैंक यू, वेरी गुड। ओह
लगता है ये स्विट्जरलैंड का केक है। हमारा अमेरिका में लोग खाता कम है, फेंकते ज्यादा है, बहुत मजा आता है। ओ, हम देखा, हम देखा। तुम भी फेंको, तुम भी फेंको। हम फेंकेगा। फेंको। मजा आया? नहीं। ये बड़ा वाला पीस फेंको। बड़ा वाला पीस फेंको। ज्यादा और मजा आएगा। और फेंकेगा? फेंको। One, two, three. अब मजा आया? हाँ। अभी मत फेंकना। फोटो। फोटो? नहीं कुछ नहीं, हमारा वाइफ बोलता है ये ये सब क्या कचरा रखा है? That's right. ठीक है, अपना मार्क खाए को रखा है। Oh no 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 no, ये बहुत जरूरी फेंको, important, बहुत जरूरी। Important है, ठीक से रखो, ठीक से रखो, ऐसा, ऐसा, ऐसा। अशोक, yes sir, ये बेडरूम है शायद, यहाँ पे अलमारी भी है, ये देखो। अलमारी? ये मैगजीन? Oh sir, मुझे तो स्टडी रूम लगता है ये। अच्छा, तो यहाँ पे कुछ सोफा वगैरह भी होना चाहिए है, दोनों को बैठने की जगह। आप देखिए सर। ओ, मुझे मिल गया बैठने की जगह। ओ सर, मुझे भी मिल गया स्विच, स्विच मिल गया सर, ये लीजिए। वेरी गुड सर। सर आप सर सर आप यहाँ सर आप यहाँ बैठे हैं? और साले कमिश्नर की हिम्मत कैसे हुई मुझे आप बाथरूम में बंद करने की? Hold it, very good. Hold it, I say, hold it. वापस आ, इधर, that's right. अभी पीछे थोड़ा अंदर का. अभी ऊपर देखो. Ready. Very good. Next. थोड़ा pose. ना. इधर देखो, उधर देखो, उधर देखो, इधर देखो. इधर उधर क्या देखा है? नाक को देखो. Very good. Next. There are different pose there, guy. Different, huh? All right, let's try it. Oh, you're the boy high, stupid. Hat Hooper. Hat Hooper. Right, do rock, Purby. I'm sure. Very good. Very good. Abhi thora rice kumuro. A thora variation, huh? The picture more job. About turn. Okay, guy. Look at the pictures, look at the pictures. As if you're admiring the pictures, huh? Okay. Kya hua? Okay, well, there they go, there they go, there they go. Oh. Back of his head is very good. Thank you. अशोक ध्यान से हैं, देख के देख के, आराम से घोड़ा बनो, हाँ, हिलना मत, बिल्कुल, बिल्कुल मत हिल। All right, you. Eight minute, one moment. आप खाली हमारा नाम, उम्र, एजुकेशन पूछा, no foreground, background. जितना हमको जानकारी चाहिए था वो हमको मिल गया, बाकी मिल जाएगा, नहीं समझो? नहीं. समझेंगे भी नहीं. C I A. C I A. I A. I A. हमको बाहर तक छोड़ आइए। आई ओ, लेकिन एक मिनट, वो हमारा इंटरव्यू कभी छपेगा? इनको पूछो, हमारा काम है फोटो खींचना, इनका काम है इंटरव्यू छपना। हमारा कंट्री का आखिरी सवाल, हम जानता। बाय बाय। कौन है? Oh my God! Ahuja bhi aaya, Tarnija bhi idhar, dono saath mein. Phas gaya. God help me. Hello, Mr. DeMello. How are you? Ahuja, tum itna jaldi kaise aaya? Ek ghanta pehla. Kya tumhara agar ek ghanta fast hai? ये क्या? Ahuja, हमारा business rival, ये यहाँ commissioner क्या क्या कर रहा है? Commissioner क्या क्या करने आया? ये तुम्हें पता होना चाहिए ना? मुझे क्यों पता? अशोक ऐसे डांट रहे थे, मैं क्यों गया उसे? हाँ, तो आखिर आपको हमारी बात याद आई गई? ऐसा बात नहीं है आहूजा, याद आता भी था, दिल को दुखाता भी था। अच्छा, वो लेकिन क्या बात है, वो तुम ब्लैकलिस्टेड था, यू नो, तुम कपला बहुत किया। ओए कम ऑन मिस्टर डेमेलो, इस धंधे में कपला कौन नहीं करता? तुम्हें मुझसे ऐसे बात करने का कोई हक नहीं है। क्या हुआ सर? जान, मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूँ, तुम मुझे बाकी रहती हो। आहूजा, तुम पीता बहुत है, पिएगा तो हमारा बात कैसा सुनेगा? हाँ, कम ऑन मिस्टर डेमेलो, डू नॉट बी फनी, मैं मुंह से पीता हूँ, कान से नहीं पीता। खैर, वो नए कपड़े की बात करो,
तो क्या है, म्यूनिसिपालिटी कॉर्पोरेशन का चार नया फ्लाईओवर बनता है, काफी टेंडर्स आया, तरनेजा का भी आया, तुम्हारा भी आया, हम देखा टेंडर तुम्हारा, अच्छा है। अच्छा है तो क्या हुआ, हमें तो मिलेगा नहीं, आप तो बस एक ही आदमी पर मेहरबान है। मिस्टर डिमेलो, मैं तरनेजा से आपको दुगनी कीमत दे सकता हूँ, यू नो व्हाट आई मीन। यू मीन डबल कमीशन? तो फिर चार पुल का कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारा, मुझसे डबल क्रॉस करा है। सेलिब्रेट करेगा? ओके, केक खाओ, केक खाओ। मेरा केक मेरे सामने मेरे दुश्मन को खिला रहा है। स्विट्जरलैंड का है, थोड़ा खाओ थोड़ा फेंको, मजा आएगा। फेंको फेंको, हाँ मजा आएगा, फेंको, मजा आया। ओह, ये क्या हो गया? एक्सप्लोजन? ओरिजिनल टेंडर्स और ये है रिवाइज टेंडर। गुड, वेरी गुड, इंटरेस्टिंग। Oh, that's lovely, Vinod. Thank you, Shobha ji. Vinod, इस तस्वीर को जरा गौर से देखो। देख रहा हूँ। ये इतना सा हिस्सा ब्लॉक हो सकता है? ये? क्यों नहीं हो सकता? सब कुछ हो सकता है। टेंडर के आइटम्स के डिटेल जरूरी हैं। बहुत जरूरी है। ये तस्वीर कैसी है? बड़ी खूबसूरत है। और ये? बहुत अच्छी। और ये? इसकी तो बात ही क्या है, क्या खुशबू है, क्या नशा है। जरा मिस्टर विनोद चोपड़ा, एक बात दिमाग में अच्छी तरह बिठा दीजिए, हमारे आपके संबंध प्रोफेशनल हैं, मालिक और नौकर के, समझ गए? जी। अब खड़े हो जाइए और सुनिए आगे आपको क्या करना है। जी, क्या करना है? आपको तरनेजा के बंगले में चुपके से घुसना है, वहां उसके और अहूजा के बीच पुलों के बारे में समझौता होने वाला है। देखिए, नौकर की हैसियत से मैं भी आपको एक बात बता दूं कि हमारा काम है फोटो खींचना, खिंचवाना नहीं। तरनेजा ने तो खींच ही दी होती उस दिन पिस्तौल से, मालिक का क्या जाता है? After all, आपको कोई जज्बाती लगाव तो है नहीं, वो तो हमें ही है। पर सॉरी मालिक, ये तरनेजा बिजनेस इज वेरी डेंजरस। तो तुम नहीं जाओगे? नहीं, हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। भूखे मर जाओगे? भूखे तो वैसे ही मर रहे हैं, अभी देखा नहीं था आपने, गिर पड़ा था कमजोरी की वजह से। खाने के पैसे तक को देती नहीं है आप, ये खतरे वाला काम हमसे नहीं होगा मालिक, बिल्कुल नहीं होगा। मैं भी तो खतरों का सामना कर रही हूं, एक औरत होते हुए भी मैं लड़ने की कोशिश कर रही हूं इन बड़े बड़े मगरमच्छों से। मुझे सबसे क्या मिलता है, मुझे कौन पैसे देता है? मैं तो सोच रही थी अब इस लड़ाई में मैं अकेली नहीं हूं, मुझे एक साथी मिल गया है जो मेरी तरह ईमानदार, बहादुर और जांबाज हो, जो कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ आगे बढ़ेगा। लेकिन शायद मैं गलत सोच रही थी, कितनी बेवकूफ हूं मैं कि मैंने इस आदमी पे यकीन कर लिया, सचमुच कितनी बेवकूफ। नहीं, आप बेवकूफ नहीं है। नहीं नहीं, मैं बेवकूफ नहीं। आप बेवकूफ नहीं है। मैं हूं। नहीं, आप नहीं है। बताओ कहां है वो मेरे सपनों का साथी जो मुझे समझेगा, बताओ। तुम तो सिर्फ अपनी भूख की बात करते हो विनोद, मैं भी तो भूखी हूं, प्यार की भूखी। अगर तुम नहीं समझ सकते हो विनोद, तुम नहीं समझ सकते। मैं समझ सकता हूं शोभा, प्यार की भूख मैं समझ सकता हूं। तुम समझ सकते हो सचमुच? तुम्हारी कसम शोभा। तो फिर तुम तनेजा के बंगले पे जाओगे? क्या सोच रहे हो? मैं सोच रहा हूं कि सचमुच तुम्हें समझता हूं या तुम्हें समझने की कोशिश कर रहा हूं।
मेरा ख्याल है मैं कोशिश कर रहा हूं। मैं जानती हूं इस भरी दुनिया में मैं अकेली हूं, कोई मेरे साथ नहीं। अरे नहीं, मैं हूं आपके साथ। मत छुओ मुझे, मैं कौन होती हूं तुम्हारी? मेरा तुम पर कोई अधिकार नहीं। क्यों? इसलिए कि तुम मुझ पे शक करती हो कि मैं तुम्हें फंसा रही हूँ। नहीं 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 शोभा जी, ऐसी बात नहीं है। विनोद है। नहीं, नहीं। मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि तुम ही हो मेरे सपनों के राजकुमार? 6 फुट लंबे, ये चौड़ा सीना, ये मजबूत बाजू, ये हसीन चेहरा, ये खूबसूरत आंखें, उफ, जिनमें मैं डूबती जा रही, जिनसे मैं कभी बाहर नहीं निकल सकती, निकलना चाहती भी नहीं। मत निकलिए, मत निकलिए, मत निकलिए, मैं भी आ रहा हूं। आ जाओ, आ जाओ। आ रहा हूं, आ रहा हूं। सुनो, मेरी दिल की धड़कन तुमसे कुछ कह रही है। क्या कह रही है? तुम खुद ही सुन लो। सिंह दारू का स्टॉक है ना? यस सर। वेलकम वेलकम मिस्टर आहूजा, वेलकम। गोली चला दूं सर? अभी नहीं, जरूरत पड़ने पर। नाइस टू सी यू, आइए आइए। और ठीक है ठीक है, तनेजा कहाँ है? ओ सर, अंदर आइए, प्लीज कम इन कम इन। आहूजा साहब के बॉडीगार्ड्स। अच्छा यार छोड़ो, काम की बात करो। काम तो तूने चौपट कर दिया हमारा आहूजा। चारों पुलों के कॉन्ट्रैक्ट्स जो हमें मिलने वाले थे वो तुमने हमसे छीन लिए। यार बात क्या है कि पुल बनाने की स्पेशलिटी तो मेरी है। यू वेरी वेल नो व्हाट आई मीन। स्पेशलिटी तो हम दोनों की है आहूजा, हम लोग एक ही धंधे में हैं, क्यों ना मिलकर काम करें? ओ, दो पुल तू बना और दो पुल मैं बनाता हूँ, 50-50 यू नो। ओ अच्छा भाईचारा। अच्छा वो पिछले साल जब तुमने मुझे वो ब्लैकलिस्ट करवा दिया था तब कहाँ गया था तुम्हारा 50-50? इस साल तेरे तोते उड़ रहे हैं इसलिए। बेवकूफी ना कर आहूजा, कमिश्नर कदम पे इतना ना फूल, मेरी पांचों से बहुत ऊंची। तो इसका मतलब यह हुआ भाई, भाई इस बार भी ब्लैक लिस्ट करवाने का इरादा है? करवा भी सकता हूँ। अच्छा मिला। अच्छा है, दोनों सुअर लड़ रहे हैं, बढ़िया फोटोग्राफ्स मिल रहे हैं। सर अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूँ? कहो। सर अगर आहूजा साहब हमें दो पुलों के कॉन्ट्रैक्ट्स दे दें तो हम इन्हें बांद्रा वाले कब्रिस्तान में आराम से गाड़ सकते हैं। क्या हुआ टकना? I'm sorry सर, कहने का मतलब है कि बांद्रा वाले कब्रिस्तान में आपको 50% का पार्टनर बना सकते हैं। That's a good idea. Thank you सर। क्यों भाई आहूजा, ईमानदारी का सौदा है, क्या ख्याल है तेरा? अरे साले अशोक ने तो झगड़ा रुकवा दिया। अरे प्रोजेक्ट कितने का होगा? 5 करोड़ का है।
5 करोड़ का? जी। ए, कुछ करो, इनमें समझौता नहीं होना चाहिए, वरना सुबह क्या जवाब दोगे? बोल भाई आहूजा, क्या सोचा तूने? 5 करोड़। हाँ, 5 करोड़। 50-50 कर लेंगे, ढाई तेरे और ढाई मेरे। ओ सर, एक्सक्यूज मी, मेरा ट्रंक कॉल है, वेरी अर्जेंट, आप लोग बातें कीजिए, मैं अभी आता हूँ। जा जो कर। क्या सोचा तूने? चलो चलो। किसका फोन है? सीक्रेट कॉल सर। सीक्रेट कॉल? ओ कॉल वर्ड क्या है? अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है? समझ गया, दाढ़ी वाले का फोन है ना? मैंने फोन पर देखा नहीं, आप चल के देख लीजिए। ओ थैंक यू। हेलो अल्बर्ट पिंटो, हेलो। मैं अशोक बोल रहा हूँ। अशोक नंबूदरी पार। धीरे बोलो, शोर मत मचाओ। सॉरी। तुम्हारे आसपास कोई है तो नहीं? नहीं, कोई नहीं है। सारे खिड़की और दरवाजे बंद है ना? हाँ। ठहरो। ओ माय गॉड, क्या हुआ? कुछ नहीं, गिर पड़ा था। बहुत गिरे हुए आदमी हो तुम, मेरी बात सुनो, बहुत सीक्रेट बात है। सीक्रेट? हाँ बोलो। मैं खबरदार की एडिटर शोभा के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। एडिटर? कम ऑन, उसकी तो मैं चटनी बना दूंगा, उसने मेरा बहुत खून चूसा है। एल्बर्ट, उसके बारे में मुझे कुछ बताओ। हेलो, एक्साइटिंग। कम ऑन एल्बर्ट, कहाँ चले गए एल्बर्ट? पिंटो, एल्बर्ट सुनो, ये क्या हो गया? ऑपरेटर, व्हाट हैपेंड? यस सर, होल्ड ऑन, लाइन बिजी। बटन 9 प्लीज, मुझे दो बटन 9। हेलो, ओहो पिंटो, एल्बर्ट देखो मेरी बात सुनो, एल्बर्ट पिंटो, ओहो हेलो, उसने मेरी हालत खराब कर दी थी पिंटो, प्लीज। हेलो पिंटो, हेलो हेलो, कैन यू हियर मी? यस। कहाँ चले गए थे एल्बर्ट? बाथरूम। क्या करने? शराब। ओह सॉरी। अच्छा सुनो। हाँ, ध्यान से सुनो। हाँ, मैं तुम्हें एडिटर। ओह सॉरी पिंटो, मैं गिर गया था। एडिटर का नाम सुनते ही गिर गए? अरे एडिटर, उसका तो मैं कीमा बना दूंगा। अरे वो तुम्हारा बेवकूफ बना रही है गधे। मुझे पता है, उसने तुम्हारे टेंडर के फोटोग्राफ्स ले लिए हैं। टेंडर्स के फोटो? हाँ, कमिश्नर के बंगले पर। बंगले पे कैसे? खिड़की खुली थी। ओह हाँ, याद आया, खिड़की खुली थी, खुली थी। और वो बाथरूम, गॉड ब्लेस यू, बाथरूम जहाँ मैं और तरनेजा साहब बंद हो गए थे प्रिया के साथ। ओ मेरे हमदर्द पिंटो, मुझे बचाओ किसी तरह से प्लीज। हे ठहरो, मेरे कमरे में कोई है जो हमारी बातें सुन रहा है? कौन है? बाहर निकालो उसे, बाहर निकालो उसे, जिससे मैं उसे बिया प्राइवेट कॉल। हमारी बातें तो नहीं सुनी तुमने? मेरी बातें तो नहीं सुनी तुमने? बहरे हो? ओके। पिंटो, वो बहरा है। मुझे मालूम है, और अब मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूं उसे सुनकर तुम गूंगे हो जाओगे। क्यों? क्योंकि खबरदार की एडिटर ने अपना जाल तुम लोगों पर इतनी बुरी तरह डाला है कि अब तुम्हारा बचना मुश्किल है। वो कैसे? वैसे कि इस वक्त तुम्हारे घर में, तुम्हारी छत के नीचे, तुम लोगों के बीच एडिटर का सबसे बड़ा दोस्त और तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन मौजूद है। कौन? हेलो पिंटो, कौन? पिंटो, हेलो। आहूजा? लेकिन वो तो हमसे समझौता करने आया है। समझौता? हाँ। मेरी तार छोड़ो। सॉरी। हेलो। हेलो। हाँ, क्या कट गई थी? समझौता? अरे वो सिर्फ नाटक कर रहा है, बता रहा हूँ। वो एडिटर से मिला हुआ है। क्या सबूत है तुम्हारे पास? प्लीज डराओ मत। सबूत? हाँ। आहूजा नकली बालों की विग पहनता है, समझे? अगर तुम्हें वो टेंडर्स के फोटो वगैरह चाहिए तो वो उसकी विग के नीचे है। थैंक यू अल्बर्ट, थैंक यू वेरी मच।
सर, यह आहूजा नकली बालों की विग पहने हुए है और इसने अपनी विग में टेंडर्स के फोटोग्राफ छिपा रखे हैं और हमको बेवकूफ बना रहा है। चेक करो उसकी विग। कमिश्नर ने हमें बेवकूफ बनाया है, उसने ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स किसी तीसरे आदमी को दे दिए हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? उसने मुझे घूस ली है। घूस तो सर उसने हमसे भी ली है, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। तुम्हें कैसे पता चला? सर असिस्टेंट कमिश्नर ने ये मुझे खुद बताया है। श्रीवास्तव? यस। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा हुआ है, ये देखिए मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट्स की फोटोस्टेट कॉपियां। श्रीवास्तव साहब। ओए कमिश्नर, मैं तेरे को देख लूंगा। राम और तनेजा। मिस्टर श्रीवास्तव, आपने जो कुछ भी किया है मेरे लिए मैं याद रखूंगा। मैं हमेशा आपके काम आता रहूं, मुझे ऐसी उम्मीद है। आप अंदर बैठिए, मैं अभी आता हूं। अशोक सर, यह कमिश्नर हद से ज्यादा बढ़ रहा है, जल्द से जल्द मेरी एक मीटिंग रखो इसके साथ। मैं बॉडीगार्ड चिल्ला रहा हूं कब से, इसीलिए पालता हूं मैं तुम लोगों को। ओए तनेजा, तेरे को नहीं छोड़ूंगा। और ओ डमेलो, तू तो गया। विनोद, ये मामला तो कुछ ज्यादा ही टेढ़ा होता जा रहा है। ये तनेजा, कमिश्नर, आहूजा, इन सब के सारे चक्कर ही टेढ़े हैं। साले एक दूसरी गर्दन काटने पे तुले हुए हैं। अच्छा तो ये रहे कि हम अपनी गर्दन बचा कर रखें। साले पैसे के बूते पे क्या क्या कर जाते हैं, अब फंसना हमें पड़ता है। मुझे तो साले तुम्हारी एटीट्यूड भी कम नहीं लगती है। क्या बात कर रहे हो यार, तुम तो हाथ धो के पीछे पड़ गए हो शोभा जी के। देखते नहीं वो कितना बड़ा सामाजिक कार्य कर रही है। क्या सामाजिक कार्य करती रहती है, खुद तो बंगलों में रहती है और हम भूखों मर रहे हैं। तुम कहते हो मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, ये लो मेहनत का फल, लो केला खाओ। खा ले यार। नहीं, नहीं खाना है। अब खा भी ले। मैंने कहा ना मुझे नहीं खाना है। पहली कमाई का केला है, प्लीज। ए विनोद, ये देख, फोटो कॉम्पिटिशन, इसमें हिस्सा ले। छोड़ यार, इनाम कुछ मिलता नहीं है, साला टी सेट पकड़ा देंगे। नहीं नहीं, फर्स्ट प्राइज 5000 इन कैश। मिल गया 5000 का शॉट। वो देख, वाओ। होल्ड होल्ड
स्टैंड स्टिल। मैं करता हूँ। केला केला इधर आ जाओ। लो 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 केला। लवली अब जरा इसका मुंह इधर करो। सुधीर जल्दी करना यार। अब जरा इधर देख। शाबाश, क्या बात है। वाओ विनोद, इसके बारे में तेरी क्या राय है? ठीक है, एक्चुअली काफी खूबसूरत है। थैंक यू थैंक यू। लेकिन प्राइज विनिंग चक्कर नहीं है दोस्त। क्यों? कंपटीशन में आप इसे भेजेंगे, आपको भगा देंगे। आप मेरी तस्वीर देखिए ह्यूमन फीलिंग्स के हिसाब से। वो शीशे में आपको जो चेहरा दिखाई दे रहा है वो कैसा है? कहाँ? रिफ्लेक्शन है ना आपकी, देखिए। तो ये कौन साला आ गया? मैं तो नहीं हूँ यार। तो फिर कौन है ये? कोई साला चेक कोट पहने खड़ा है। मैं तो चेक कोट नहीं पहना था ना, मैं स्पॉट पे खड़ा था। चक्कर क्या है? सुधीर, इसके हाथ में कैमरा है कि पिस्तौल है? दिखा दिखा। गड़बड़ लगता है विनोद। ये तो वाकई में पिस्तौल है। पिस्तौल ही है ना? यार इसको जरा इलाज करें। अशोक नहीं है? हाँ वही है, वही है। जी हाँ। और ये तो पिस्तौल है दोस्त, पक्की बात है। इस बंदे ने इस बंदे पे पिस्तौल चलाई ऐसा लगता है। पर ये बंदा है कौन जो बोर्ड के पीछे आ गया? और इलाज करते हैं। चेहरा नहीं दिख रहा, झाड़ियों में लगता है पॉड के पीछे खड़ा होगा, गोली लगी होगी और झाड़ियों में गिर रहा है, अच्छा लगता है। लेकिन ये बंदा जो गोली चला रहा है ये पहचान में नहीं आ रहा, कौन है? सिर्फ इस हिस्से को इलाज करके देखें। ओके। बैठा फोटो खींच रहा था। क्या तुम तो ठीक रहा है? इधर से रास्ता होगा। नहीं नहीं, हम लोग उधर को गए। मैं कहता हूँ इधर से है। मैं बड़ा हूँ कि नहीं, चल।
संभल के चलना चाहिए। विनोद संभल के भी नहीं चल सकता। ये अपने ही केले का छिलका है। कैसे पता? और भी खा सकता है केला। ये देख, जब बंदर की फोटो थी ना तब मैं रील बदली थी। तूने ये बंदर के पास ही देखा था ना? हाँ। यहाँ? यहाँ। बंदर यहाँ था? हाँ। बंदर यहाँ था और बंदर के हाथ में आईना था यूं। हाँ। फोटो इधर से ली गई। हाँ। यानी तरनेजा, मतलब खून हमारे पीछे हुआ। इसका मतलब लाश हमारे पीछे है। चल उधर, चल ढूंढने। विनोद कहाँ चलते हैं? चल ढूंढने। गिरा था। अरे अरे, तो वहां से भाग क्यों आया? उसी को ढूंढने आया। चल चलते हैं। लाश हमारा क्या बिगाड़ लेगी? चल ना, चल चल चल। आंखों से देखी थी तो कहां गई? रोज फूल सुधीर, क्या किसी का कफलिंग है? पकड़ने से सबूत के पुलिस के पास भी नहीं जा सकते, और ये भी नहीं मालूम वो लाश है किसकी। मुझे बहुत खुशी हो रही है कमिश्नर श्रीवास्तव, क्या आप इस पुल का उद्घाटन करने के लिए आए हैं? प्रिया सर, लीजिए।
मुबारक मुबारक मुबारक। आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है कि डिमेलो पुल का उद्घाटन हो रहा है। ये पुल हजारों लोगों की मेहनत का फल है और इसका निर्माण बंबई शहर की उन्नति में एक बहुत बड़ा कदम है। ये पुल हमारी मेहनत का प्रतीक है, लगन का प्रतीक है, एकता का प्रतीक है। और हाँ, ये पुल सिर्फ एक पुल नहीं है बल्कि शहर के लाखों लोगों का सपना है। ये किसी एक आदमी के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए, चाहे वो मर्सिडीज वाला हो, चाहे ठेले वाला, चाहे वो उद्योगपति हो, चाहे सब्जी वाला, चाहे वो इस देश का नेता हो या चपरास। और कई लोग, कई गरीब लोग एक दिन इस पुल के नीचे अपना घर बसाएंगे। बड़े अफसोस की बात है कि जो आदमी दरअसल इस पुल की बुनियाद है वो आज हम लोगों के बीच नहीं है। मिस्टर डिमेलो एक बहुत ही भयानक बीमारी का सामना कर रहे थे जिसकी वजह से, जिसका इलाज करवाने उन्हें स्विट्जरलैंड भी जाना पड़ा था और क्राइस्ट ने उन्हें हमसे छीन लिया है। कमिश्नर बीमार था? ये मामला तो बड़ा खतरनाक लगता है। सपना था और मरते मरते भी वो इसको याद कर रहे थे। कहीं वो लाश कमिश्नर की तो नहीं थी? अब मैं श्रीवास्तव साहब से कहूंगा कि हमारे स्वर्गीय कमिश्नर साहब के बारे में दो शब्द कहें और ये पुल उनकी याद में समर्पित करें। मिस्टर श्रीवास्तव, डिमेलो साहब के बारे में जो कहूं कम। उन्होंने एक ही मोर्चे पर इतना महान काम किया और जिसके लिए वो अमर हो गए, और वो मोर्चा है गटर। डिमेलो साहब अक्सर कहा करते थे, किसी देश की उन्नति की पहचान अगर किसी चीज से होती है तो वो है गटर। वो गटर के लिए जिए, गटर के लिए मरे, मरते मरते उनके आखिरी शब्द थे गटर। हम उनकी याद में एक दिन के लिए शहर के सारे गटर बंद कर देंगे। इसलिए आप लोगों से प्रार्थना है कि आप लोग पीने का पानी एक दिन पहले ही भर के रखें। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको यह जानकर खुशी होगी कि यह प्रेस कॉन्फ्रेंस शहर की सबसे ऊंची इमारत पर आयोजित की गई है। यह इमारत जो डिमेलो पुल के साथ तनेजा साहब का इस शहर को एक और तोहफा है। इतने थोड़े वक्त में तनेजा साहब ने अपना एक साम्राज्य खड़ा कर लिया है। तनेजा बिल्डर्स, तनेजा इलेक्ट्रॉनिक्स, तनेजा कंप्यूटर्स, तनेजा ब्रूरीज एंड डिस्टिलरीज, तनेजा टायर्स, तनेजा टेक्सटाइल वगैरह वगैरह। इसके अलावा सामाजिक कार्यों में भी तनेजा साहब सबसे आगे हैं। तनेजा मैटरनिटी हॉस्पिटल, तनेजा चैरिटी ट्रस्ट, तनेजा सैनिटोरियम, तनेजा स्कूल। मिस्टर तनेजा, बिहाइंड एवरी सक्सेस देयर इज अ क्राइम। कहा गया है हर कामयाबी के पीछे कोई ना कोई अपराध होता है, और आप तो कामयाबी की ऊंचाई पर हैं। आप क्या कहेंगे? भाई, क्या किताबी बातें कर रहे हैं आप? कामयाबी के लिए तो कड़ी मेहनत और ईमानदारी की जरूरत है। बस कड़ी मेहनत तो आपका मजदूर भी करता है मिस्टर तनेजा, वो तो आपके फैक्ट्री के नर्क में पड़ा सड़ रहा है। 10 साल पहले आप क्या थे? एक मामूली से कॉन्ट्रैक्टर। भाई, आप प्रेस वाले किसी की भी कामयाबी से चलते हैं। ऊंचा उठने के लिए दिमाग, लगन, आदर्श की जरूरत है। आई एम अ विजनरी, यू सी। इन आदर्शों के पीछे छुपी गंदगी दिखाना ही हमारा काम है। आप हर चीज को शक की निगाह से क्यों देखते हैं? रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों और प्रॉब्लम से ऊपर उठना पड़ता है, और फिर कौन ऊंचा नहीं उड़ना चाहता? आप कुछ ज्यादा ही ऊपर उड़ रहे हैं मिस्टर तनेजा। क्या आप ऊंचा उड़ना नहीं चाहते? नहीं मिस्टर तनेजा, आप जितना ऊपर उठते हैं लोग उतने ही नीचे गिरते हैं। कहाँ? अपने अपने नरक में। हाँ, नरक ही कह सकते हैं आप। 80 करोड़ की इस भारत की भाग्य रेखा 10,000 से भी कम अमीर लोगों के हाथ में है। ये लोग कैसे उड़ सकते हैं मिस्टर तनेजा, जबकि उनके पांव गरीबी, भूख और लाचारी के दलदल में फंसे हुए हैं। एक छोटे से कमरे में 10-10 लोग पलते हैं। राशन कार्ड की लंबी लाइन, लोकल ट्रेन के धक्के, और कभी भी घिर के कट जाने का डर, रात को सोते वक्त अगले दिन का खौफ। मिस्टर तनेजा, ये नर्क आप ही का बनाया हुआ है। एक्सक्यूज मी मिस्टर तनेजा,
अभी हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कहा था कि देश में नशा बंदी होनी चाहिए, फिर भी आपने शराब की फैक्ट्री खोल रखी है। देखिए देखिए देखिए, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि नशा बंदी होनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब यह था कि गरीब लोग जो हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते और उन लोगों को नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि वो लोग पीते हैं फिर दंगा फसाद करते हैं, अपनी बीवियों को मारते हैं, अपने बच्चों को मारते हैं। आपने कभी किसी को मारा है? नहीं मैंने, हाँ नहीं, हाँ शराब पीकर तो कभी नहीं, लेकिन एक नहीं, बार हाल ही में किसी को मारा हो? जी नहीं हाल ही में तो नहीं, हाँ एक बार की बात है कि एक बार मैं सड़क क्रॉस कर रहा था और एक गुंडा जो है वो एक अंधे से चवन्नी छीन। कभी पार्क में किसी को मारा है आपने? देखिए आप मुझे बोलने भी देंगे या नहीं प्लीज? झाड़ियों में? आप मुझे बोलने भी देंगे या नहीं? एक अंधा था जो कि जिससे कि एक गुंडा जो है वो चवन्नी छीनने की कोशिश कर रहा है। पेड़ के पीछे छुपे थे आप? क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैं ऐसे फजूल सवालों का जवाब नहीं दे सकता। अशोक, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने काहे के लिए बुलवाई थी? इसलिए बुलवाई थी ना कि लोग मेरे बारे में अच्छा लिखें, अच्छी रिपोर्टिंग करें, या इसलिए बुलवाई थी कि लोग मेरा क्रॉस एग्जामिनेशन करें? सर ये आजकल के अखबार वाले ऐसे ही हो गए, नमक हराम साले। इन सब सालों को तो बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में डुबा देना चाहिए। बिल्कुल सर। और हाँ, मुझे लगता है इन दोनों हराम सालों को वो पाक वाली बात पता चल गई है, जैसे ही पहला मौका मिले इन दोनों को। आप नहीं बचते हैं, कतई नहीं। जनाब को मुंह खोलने की क्या जरूरत थी? पार्क में, झाड़ियों में, पेड़ के पीछे अब हमारी लाश मिलेगी। वजीर, मैं जो भी करता हूँ सोच समझ के करता हूँ, समझे? मैं बड़ा हूँ कि नहीं? हाँ बड़े हैं, बड़े लापरवाह हैं आप। जानते क्या आपने फ्लाईओवर पर क्या गिरा दिया था? क्या? ये देखिए। क्या ये कफ लिंक है? अगर खो जाता तो मर जाते हम लोग। पार्क वाला कफ लिंक तो मेरे पास है। ये ना, ये क्या है? ये कहाँ से मिला तुझे? वहाँ फ्लाईओवर पर फाउंडेशन स्टोन के पास जाम खड़े थे। अरे ये तो इसी की जोड़ी है सुधीर। एक कफिन पार्क में, दूसरा पुल पे। मतलब कि पार्क से पुल। चल चलते। नहीं नहीं रात में चलेंगे। थे हम लोग ये कफलिंग कहां मिला तुझे? हाँ यार, वेयर डू यू फाइंड दिस? यहां पे, इसमें था। लाश यही होगी, खोदते हैं। इस वकील बड़ा भारी है, इस वकील क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? कमिश्नर डिमेलो, अब नहीं बच सकता तरनेजा हमारे हाथों से। जेल जाएंगे सबके सब सारे। बड़ा खून पिया इन्होंने गरीबों का। ओए विनोद, कोई नाम इनाम मिलेगा यार? इनाम मिले ना मिले क्या फर्क पड़ता है? कल जब अखबार में तरनेजा का भांडा फूटेगा वो कितना बड़ा इनाम होगा। सच्चाई की जीत होगी और बुराई की हार। दे, मैं हमेशा कहता रहता हूँ यही। लाश हमारे पास है, फोटो हमारे पास है, सारा सबूत हमारे पास है। बंद करवा सकते हैं इन सब पत्थरों को, सिर्फ फोटो दिखा दे। इनाम भी क्यों नहीं है? ये लाश किस के पास है? इससे पहले वील हैव अ ड्रिंक, सेलेब। कहाँ गई? अभी तो यहीं थी। आप कैसे हो सकता है? चलो पुलिस थाने चलो। थाने? क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहा है? कुछ नहीं, कुछ नहीं, आधी रात को कुछ नहीं करने का मतलब मालूम? हाँ क्या? आवारा गर्दी, आवारा गर्दी। भाई सुनो,
इंस्पेक्टर साहब, हम तो सिर्फ घूमने आए थे, हवा खाने आए थे। हवा खाने या चोरी करने? चोरी करने? क्या चोरी करने? यहाँ चोरी करने को है क्या? बल्कि हमारा कुछ चोरी हो गया है। वो एक ला किशोर कुमार के औलाद, थोबड़ा इकड़े, थोबड़ा इकड़े, मुखोल मुखोल। नाम क्या जरा, नाम क्या जरा? सुधीर मिश्रा। सुधीर मिश्रा, हेंचा नाव का है, हेंचा नाव का है? विनोद चोपड़ा। विनोद चोपड़ा, रहता किधर है? रहता किधर है? ब्यूटी फोटो स्टूडियो, आज ही अली। हाँ जी, हाँ जी, क्या चोरी किया? क्या चोरी किया? चोरी किया? हाँ, चोरी किया? कुछ नहीं चोरी किया, तलाशी ले लीजिए। ये अरे क्या कर रहे हैं आप? ताला खाली पीली हीरो बनता और आठ आना लेके घूमता है। चल फोड़ इधर से, चल फोड़। टिकट के पैसे हैं, ये हमारे टिकट के पैसे हैं, ट्रेन पकड़ के घर जाना है। विदाउट टिकट, विदाउट टिकट, चल फोड़। विदाउट टिकट के पैसे हैं, जाओ पुलिस के पास फोड़। अरे तू भी चल, फोड़ रहे इधर से, चल चल फोड़। चल विदाउट टिकट। विदाउट टिकट नहीं जा सकते यार, गैर कानूनी है। गैर कानूनी? अब जो पुलिस वाले ने किया था वो कानूनी है। साला भूखे आदमी की जेब काट लो वो कानूनी है, तरनेजा जो कर रहा है वो कानूनी है, सिर्फ हम जैसे लोग जो करते हैं वो गैर कानूनी होगा। साला जी चाहता है मशीन गन लेके, कुछ नहीं कर सकते हम लोग। क्यों क्यों नहीं कर सकते बोल? सारे फोटो है खून के, लाश के, इतने सारे सबूत तो है। कोई सबूत नहीं है हमारे पास जब तक वो लाश नहीं मिलती यार। फोटोग्राफ लेके जाइए आप पुलिस के पास कि तरनेजा ने खून किया, हमने फोटो लिए हैं, उसके यकीन करेंगे वो? पुलिस आपकी बात मानेगी कि तरनेजा की? पुलिस के पास जाके उल्टे हम खुद लफड़े में फंस जाएंगे। ओ पैसा पैसा, क्या कोई कुछ नहीं कर सकता? क्या तरनेजा कोई नहीं रोक सकता? क्या लोगों ने पूरी छोड़ दे रखी है? इतनी खाली करते थे बाहर, लेकिन वो कानून वाले अभी भी सो रहे हैं। क्या है? चलो चलो कुछ चलो नहीं। चलो फुटो। एक तरीका हो सकता है। क्या? अगर ये फोटोज अखबार में छप जाए तब ये केस पब्लिक इशू बन जाएगा, तब तरनेजा मच सकता है। लेकिन कौन से अखबार में? अपने खबरदार में। और शोभा जी मान जाएंगे, आई एम श्योर, आफ्टर ऑल वो भी तो लाश तो हमारे पास है ही नहीं। लाश की फोटोज तो है हमारे पास, वो तो अखबार में छप सकते। बैग में रख ले, उसके फोटोज तो है हमारे पास, हम कह सकते हैं लाश हमने कहीं छुपा दी है। चल 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 यार, विदाउट टिकट। हाँ चल। लेकिन यार वो लाश गई कहाँ? ये क्या है सुंदरलाल साहब? ओहो और ये कार किसने बीच में पार कर रखी है? ओए भाई, ओ मिस्टर, ओ गुड आफ्टरनून पहलवान, क्या प्रॉब्लम है? ओए लगता है गड्डी खराब हो गई हो तेरी। ओए क्या प्रॉब्लम, कौन सा मॉडल है? पोर्ट मेरे पास ऑस्टिन है, ओल्ड इज गोल्ड, नया मॉडल है फिर भी खराब कर ली क्यों? चेक कर, रेडिएटर तो ठीक है, कार्बोरेटर भी ठीक है, क्या पंगा? ओए ओ तेरा पंक्चर है,
ओए भाई साहब मौन व्रत रखा क्या? लो सिगरेट पियो यार, तू तो बिल्कुल थका मरा लग रहा है। अच्छा मैं जरा स्टेपनी ले आता हूँ, गाड़ी में रखी है, शराबी तो शराबी की मदद करेगा। ये साला भी दारू पी है। साले दारू तो तूने भी आज जम के पी है बदमाश। That drunk. ओए अभी तेरा पहिया बदल देता हूँ। मैंने जिंदगी में बहुत स्टेपनियां बदली है। ये तो थोड़ा बड़ा है भैया, बोनट तक पहुंच गया। छोड़ यार, अपने पास ठीक है। ये स्पोर्ट्स कार है, इसमें ऑस्टिन का भैया कैसे फिट हो सकता है? क्यों कहा था मेरे को लाने को लिए? अच्छा सॉरी यार, सॉरी, अब मैं तेरे को कार ले चलता हूँ। अपन दोनों बैठ गए दारू शराब, ठीक है? चल। यार मैं तेरे को आगे बिठा लेता, लेकिन पीछे स्टेयरिंग संभालने वाला कोई होना चाहिए ना। डोंट माइंड, देखना ध्यान रखना, रस्सी टूट जाए तो हॉर्न दे देना, नहीं तो मेरे को पता नहीं चलेगा। राइट जाएंगे, राइट। सुपर्ब, ओ विनोद, माय डार्लिंग, माय स्वीट हार्ट, कितना अच्छा काम किया तुमने। आज तुमने दिखा दिया कि तुम वाकई मेरे साथ। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया कि तुम पुलिस के पास नहीं गए, सीधे मेरे पास आ गए। अब तुम ये सेंसेशनल खबर जल्द से जल्द। हाँ विनोद डार्लिंग, मैं छाप दूंगी। अब तुम मुझे ये बताओ कि लाश कहाँ है। लाश? लाश? लाश हमने बहुत संभाल के रखी है, छुपा के रखी है। हाँ, छुपा के रखी। और देखो, इस बात की किसी को भनक नहीं लगनी चाहिए, खास तौर पे तनेजा को। अच्छा अब तुम जाओ, सब मुझ पर छोड़ दो, मैं सब ठीक कर दूंगी। जाओ। हेलो, यस तनेजा स्पीकिंग। हेलो मिस्टर तनेजा, मैं खबरदार की एडिटर बोल रही हूँ, शोभा सेन। मेरे पास फिजूल इंटरव्यूज के लिए वक्त नहीं है। ना 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 ना, फोन मत डिस्कनेक्ट कीजिए मिस्टर तनेजा, वरना आप पछताएंगे। क्या मतलब? मैं कमिश्नर डुमेलो के बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ। वो तो कब के मर चुके हैं? मर चुके हैं या मारे जा चुके हैं? मैं साबित कर सकती हूँ उसका कत्ल हुआ है, और मैं ये भी साबित कर सकती हूँ कत्ल आपने किया है। क्या बकवास कर रही हो तुम्हें? इस वक्त मेरे हाथ में वो तस्वीर है जिसमें आप पिस्तौल लिए मिस्टर डिमेलो पर गोली चलाते हुए साफ नजर आ रहे हैं। सिर्फ तस्वीर से कुछ नहीं होता एडिटर शोभा। मगर लाश से तो हो सकता है, जो इस वक्त मेरे कब्जे में है। अगर मेरी बात पे यकीन ना हो तो आप पुल के फाउंडेशन स्लैब के नीचे अपनी आंखों से देख सकते हैं। बहुतों को फांसा मिस्टर तनेजा, मगर तुम मेरे हाथों से बचते रहे। मैं आप जैसे लोगों को आखिरी बार ये तकलीफ दे रही हूँ। हम सब का मकसद जिंदगी में एक ही तो है मिस्टर तरनेजा। क्या चाहती हो? ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 लाख। ठीक है, बात की जा सकती है। कब? आज रात को डिनर पर। कहाँ? मेरे घर पे। लेकिन मैं अकेली नहीं होंगी, मेरे साथ विनोद और सुधीर भी होंगे। जाके यहाँ डिनर? लेकिन वो तो हमारा दुश्मन है। हाँ दुश्मन है, इसीलिए तो कह रही हूँ। हमें बहुत चालाकी से काम लेना होगा। हमारे मैगजीन की नई इश्यू निकलने में 5 दिन की देर है ना? अब इन 5 दिनों में तरनेजा क्या क्या नहीं कर सकता, खास तौर पर जब उसे ये मालूम पड़ेगा कि लाश उसे गायब हो चुकी है। इसीलिए मैं उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रही हूँ ताकि उसको हम पर कोई शक ना हो। अशोक, आज रात को कुछ मेहमान आ रहे हैं, उनकी इतनी खातिर करो कि उन्हें कोई परेशानी ना हो। ओ, समझ गया सर, समझ गया। इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। डोंट वरी सर, ऐसा करता हूं, उन तीनों की कुर्सी के नीचे मैं टाइम बम फिक्स कर दूंगा और उनको उड़ा दूंगा ठीक रात के 8 बजे। ठीक है,
अशोक जरा खातिर करो। अरे सुधीर भैया आप तो कुछ ले नहीं रहे भाई, कबाब तो बहुत ही बुरा आई है। मैंने आपकी खातिर करने के लिए स्पेशली मंगाया। भैया को कुछ दो ना भाई। विनोद विनोद चाय दी सलाद बहुत बढ़िया है ये तो। क्या टेस्टी है। अच्छा वी ऑल ड्रिंक अ टोस्ट दिस इवनिंग। सुधीर यू मस्ट हैव दिस यार। Cheers! भैया बदतमीजी इसकी मैं हेल्प यू। अरे कुर्सी के नीचे ये क्या है? देखो मेरे ये क्या है? करने जा रहे हैं। मुझे मालूम है, मुझे मालूम। यहाँ लाओ, यहाँ लाओ। भैया आपको क्या? बच्चों, वो, आ, वो, सर टेबल पे रख दिया। What an amazing lighter! तो कुछ भी नहीं पता अंकल। ऐसा है कि नीचे से कुर्सी नीचे गिर गया। जरा इसको आप जाते देखिए। जरा इसको अंकल नीचे। अच्छा आप कर लीजिए, मैं नहीं, हमें नहीं करना है। भैया ये इसको। भैया भैया आप कहाँ चुप रहे हैं? अरे भैया कहाँ गए? भैया अंकल तुम्हारे हाथ में टाइम बॉम्ब है। अशोक को दे दो। अशोक को दे दो। मूव नाउ। मूव। ओके अशोक इसे दोबारा फिक्स करो। ओके चलो मैडम। अरे इधर टाइम बॉम्ब में टाइम बहुत कम है। हरिया अशोक हरिया। बॉम्ब में जगह से नहीं रहेगा। Nine. Eight. Seven. Six. Five. Four. Three. Two. One. आठ बज चुके हैं, अब क्या बजेगा? चलो चलो बजा क्यों नहीं? चलो चेक करो। कोई हिला तो मैं गोली मार दूंगा। अच्छा तो चलते हैं। चलो मत बैठे रहो। चलो मत। अशोक बम को छोड़ो, इन तीनों को गोली से उड़ा दो। मिस्टर तरनेजा, मिस्टर तरनेजा, कह रहा हूँ मोमेंट ऑफ योर्स, खास बात करनी है, अर्जेंट। ओके अंकल। मिस्टर तरनेजा, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, ये दूरदर्शन से आए हैं और सर पंप फट गया। फट गया। सर ऐसी कौन सी अर्जेंट बात थी, आपको इसी वक्त आना था क्या? मिस्टर तनेजा हम आप बहुत बड़ी मुसीबत में। नेजा की ये हिम्मत मेरी जान तक लेने को तैयार हो गया था। हमारी जान भी तो। तुम्हारी जान की मुझे कोई फिक्र नहीं है, मेरा तो 10 लाख का नुकसान। 10 लाख? कौन से 10 लाख की बात कर रही हैं? कुछ नहीं। आपने अभी भी कहा तो कह देना कुछ नहीं, चुप रहो। हेलो। हेलो भाई मैं ऊजा बोल रहा हूँ। क्या बात है? क्या बात है, आज की सनसनीखेज खबर तुमने सुनी नहीं जो सारे शहर में जंगल की आग की तरह फैल चुकी है? कौन सी खबर भाई? टेलीविजन खोलो और अपनी आंखों से देख लो। मेरा ख्याल है इसके बाद हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत पड़ेगी।
टेलीविजन ऑन करो, जल्दी करो, टेलीविजन ऑन करो। आज न्यायाधीश लेंटर के ऐतिहासिक फैसले की देशभर में सराहना की गई। इसके पश्चात मुख्यमंत्री अंतुल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। अभी अभी पता चला है कि लगभग 13 करोड़ रुपए के खर्च से बना डिमेलो पुल, जिसका हाल ही में उद्घाटन हुआ था, आज अचानक टूटकर गिर पड़ा। इस पुल के टूटने से बंबई शहर के नागरिकों में एक सनसनी सी फैल गई है। नागरिक समिति की मांग पर सरकार ने श्री केलकर की अध्यक्षता में एक जांच समिति बिठाई है, जो जल्द ही अपना फैसला सरकार के सामने रखेगी। इस पुल का निर्माण तरनेजा कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन ने किया था। उनके चेयरमैन श्री तरनेजा से हमारे मुख्य संवाददाता ने भेंट की। मिस्टर तरनेजा, आपका क्या ख्याल है, इस पुल के टूटने की वजह क्या है? वजह तो इंक्वायरी कमेटी बताएगी। हाँ, वैसे मैंने अपनी तरफ से कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी है। मैंने बढ़िया से बढ़िया सीमेंट, इंपोर्टेड कंस्ट्रक्शन मटेरियल इस्तेमाल किया है। यूसी, मुझे विश्वास है कि इंक्वायरी कमेटी के चेयरमैन हमारे मिस्टर केलकर आज नहीं तो कल जरूर इसी नतीजे पर पहुंचेंगे। अगर मेरे मटेरियल में कुछ खराबी होती तो बंबई की बहुत सी बिल्डिंग्स अब तक गिर चुकी होती। यूसी, आप पर कौन चेक कर सकता है? फिर भी सवाल तो जवाब तुम भी जानते हो मेरे दोस्त। बस सोचो। सर, यस, ये पुल गिरा नहीं है, गिरा आ गया है। दिस इज अ वर्क ऑफ सैबोटेज। यू सी, ये साजिश है। कोई मुझे बदनाम करना चाहता है, ब्लैकलिस्ट करवाना चाहता है। आई एम टेलिंग यू, दिस इज अ वर्क ऑफ सैबोटेज। हमारे संवाददाता ने उस पुलिस वाले से भी भेंट की जो उस रात पुल टूटने से पहले वहां पहरे पर था। जिस रात पुल टूटा उस रात आप, मेरा मतलब है तुम ड्यूटी पर था? हां भाई। काय भाई, ये तुम्हारा का मतलब, झोपलो तो मैं सोया था। हां, क्या गया? ओ बेवकूफ, देखे मेरा तो दूरदर्शन। You are on camera. ऐसा क्या है? कुछ नहीं हुआ साहब, हम ड्यूटी बताना। तुम्हें अच्छी तरह याद है कुछ नहीं हुआ? बराबर याद है। एक मिनट साहब, एक मिनट। उस रात दो लड़का कुछ इधर उधर कर रहा था। वेरी गुड, शाबाश। उनके हाथ में क्या था? लाबरना का साहब, हमने उनका एड्रेस डायरी में बराबर नोट करके रखा है। नोट किया? हाँ। ये देखो, ब्यूटी फोटो स्टूडियो। ओहो, तुम्हें कुछ नहीं सूझा? हो सकता है उन्होंने पुल उड़ाया हो। ऐसा का है? अरुणा का साहब, हम बंबई का पुलिस वाला है ना, बराबर उनके पीछे लग जाएगा, छोड़ेगा नहीं। हाँ, मार गए विनोद, अब तो पुलिस भी हमारे पीछे है। ये तो बहुत अच्छा हुआ, पुल टूट गया। शोभा जी, तुम चिंता मत करो, पुलिस को मैं संभाल लूंगी। इसके पश्चात और अब फंसा तरनेजा, उसका मेरे चंगुल से निकलना नामुमकिन है। अब तो आहूजा भी मेरे साथ है, हम दोनों मिलकर उसका खात्मा कर देंगे। तुम लोग भी तो मेरे साथ हो। शोभा जी, को पूछने की बात है, इस तरनेजा के बच्चे को सबक सिखाने में हम आपका पूरा साथ देंगे। क्यों सुधीर, मैं कहता था ना, सच्चाई की हमेशा जीत होती है और बुराई की हमेशा हार। सुनो, अब मैं और इंतजार नहीं करूंगी, ये इश्यू कल ही छापूंगी। अरे अभी तक इसका आर्ट वर्क तैयार नहीं हुआ, लाश के फोटोग्राफ के ब्लॉक्स नहीं बने। मेरे पास वो सब सबूत है जो तरनेजा की धज्जियां उड़ा देंगे, और सबसे बड़ा सबूत है वो लाश जो इस वक्त हमारे कब्जे में है। हमारी और तरनेजा की इस लड़ाई में जीत उसी की होगी जिसके पास लाश होगी। लेकिन शोभा जी, हमारी हमारी बात सुनिए, वो लाश हमारे पास नहीं है। क्या शोभा जी, फिर ये फोटोग्राफ्स किसके हैं? ये फोटोग्राफ लाश के ही हैं, लेकिन बाद में लाश गायब हो गई थी। ओह, मैं समझ गई। 10 लाख का नाम सुनते ही तुम्हारे भी मुंह में पानी आ गया है ना? ये आप क्या कह रही हैं शोभा जी? तुम्हें तुम्हारा हिस्सा चाहिए, हम्म? तो ठीक है, मैं देने के लिए तैयार हूँ। बोलो, कितनी कीमत है तुम्हारी? हमें कुछ नहीं चाहिए शोभा जी, हम तो सिर्फ इस बुराई के खिलाफ लड़ने में आपकी मदद कर रहे हैं। हाँ तो बोलो ना, इस मदद की कितनी कीमत चाहिए तुम्हें? मदद की कोई कीमत नहीं होती शोभा जी। ये नाटक बंद करो और बताओ वो लाश कहाँ छुपा के रखी है तुमने। नाटक? नाटक तो आप कर रही हैं हमारे साथ आज तक, समाज सेविका। हम तो मामूली से फोटोग्राफर एक फोटो स्टूडियो खोलकर ईमानदारी से मेहनत की रोटी खाना चाहते हैं।
विनोद चल। विनोद विनोद, आज पता चल गया शोभा जी कि आप में और तरनेजा में कोई फर्क नहीं है। हम निकम्मे हैं, हमारी जगह सड़कों पर है, हम वहीं जा रहे हैं। गुड बाय। थोड़े से पैसे रह गए शोभा जी के पास, देखते हैं देती है कि नहीं। मैं तो जाऊंगा नहीं। तू यहाँ ठहर। ओए देख के। ओए दरवाजा खोलो इसको। सलाम सर। सलाम। अब ये जाएंगे पहले। शोभा है अंदर? हाँ जी है। शोभा जी गुड मॉर्निंग। लीजिए, एक और समाज सेवक आए हैं, समाज सेविका से मिलने। देश के विकास के बारे में बातें करेंगे। पुल का कोई सबोटाज वैबोटाज नहीं है, एकदम जेन्युइन केस। वो उतरने जा लोगों का बेवकूफ बना रहा है और वो गंजा श्रीवास्तव उसका साथ दे रहा है। ये यू नो व्हाट आई मीन। अहुजा, फिर पुल टूटा कैसे? शोभा जी, हम सीमेंट में रेत मिलाते हैं। वो तो रेत में सीमेंट मिलाता है, पुल तो टूटेगा ही। ये आहूजा और एडजर आपस में मिल गए। डार्लिंग, तेरे सबको फौरन टेलीफोन करो। यस। हाँ जल्दी करो। हाँ प्रिया बोलो। हाँ मिस्टर तरनेजा, एडजर के ऑफिस में इस वक्त आहूजा आया हुआ है। आहूजा, शाबाश, तुम और अशोक वहां बराबर उन पे नजर रखो। लेकिन अहुजा, तनेजा किसी भी तरह बच जाएगा, उसकी पहुंच जबरदस्त है। वो अथॉरिटीज को यकीन दिला देगा कि सैबोटाज हुआ है। ऐसे कैसे यकीन दिला देगा? ना तो वहां बम फूटा है, ना वहां तोड़फोड़ हुई है। शोभा जी, रेत का पुल तो टूटेगा ही। ये तो लोग कचहरी है, क्या कर रहे हैं? डार्लिंग, क्या ये भी बताओ तरने साहब को फौरन। मैं कल रात वहां से गुजरा हूं, तब तो साला पुल से ही सलामत था। बल्कि मैंने तो वहां एक बंदे को लिफ्ट भी दी थी। किसको लिफ्ट दी थी तुमने? वो आदमी भी तो गवाह बन सकता है। पता नहीं कौन था साला, बोलता ही नहीं था, मुंह पे मिट्टी, पेट में दारू। ये तो कमिश्नर के बारे में बात कर रहा है। बड़ी मुश्किल से खींच के ले गया। तुमने कहां छोड़ा उसको? अपने गेस्ट हाउस में। इसका मतलब ये कि वो लाश अभी से गेस्ट हाउस में है। उठते ही आपके पास चला गया। कोई चलते हैं। आप ऐसा कीजिए, जल्दी से कुछ एक्शन लीजिए। चले जल्दी। प्रिया, ये दोनों आहूजा की गाड़ी लेके भाग रहे हैं। सर, सर, सुधीर और विनोद आहूजा की गाड़ी लेके भाग रहे हैं कहीं पे। हाँ, उनका पीछा करो और जहां भी वो जाए मुझे इन्फॉर्म करो फौरन। यस सर। वो लोग वहीं गए होंगे जहां लाश है। हरी अपना। ओके सर, चलो जल्दी। एक मिनट, हरी आप जस्ट प्लीज देखने तो दो। इडियट, तुम नशे में इतने धुत थे लाश को पहचान भी नहीं सके। सॉरी स्टूपिड। ओफो, मैं इतनी क्यों पी लेता हूं? हां, इसीलिए वो आदमी बात नहीं कर रहा था। तो फिर तो वो आदमी लाश वहीं पे होगी। कहां? गेस्ट हाउस में। कामदार जी,
चलो हमारे साथ बाहर चलो, बहुत जरूरी काम है। Thank you.
सीने चलो। सब आगे भागो। मुझे लगता है वो इस तरफ का है। शोभा जी। अम्मी कहाँ रह गई? अम्मी जल्दी करो भाई, मजलिस में नहीं जाना है। अरे बाद में देख लेना, अब जल्दी जल्दी पाँव बढ़ा, देर हो रही है। उधर चलना ढलान है, उधर लेके चलेंगे उसको। कमिश्नर साहब, उस तरफ आओ। धर्मराज और वापस ले लो अपना राजपाट। है हिम्मत? हिम्मत है तो लगा दो पांचों पांडवों को दांव पर। मुझे स्वीकार है। युधिष्ठर, तुमने अपने आप को चारों भाइयों को दांव पर लगाया और हार गए। अब बची है द्रौपदी, बोलो स्वीकार है? बड़े भैया, हाँ। पांडव अपना सारा राजपाट तो जुए में हार गए। चुप करना। क्या लगाएंगे? मुझे स्वीकार है। कहाँ गए? कहाँ गए? सर, वो देखिए सर, पूरा वो देखिए। भागो, भागो। चलो। पांडव जिसे जीते थे पहले, वही द्रौपदी अब जीत ली हमने।
द्रौपदी अब रानी नहीं रही, अब वो मेरी दासी है। जाओ प्रातकामी, उसे बुला कर लाओ। जैसी आज्ञा महाराज। ये क्या हो रहा है बेटा दुर्योधन? द्रौपदी तुम्हारी भाभी है। भाभी भाभी कुछ नहीं, मैंने उसे जुए में जीता है, अब वो मेरी संपत्ति है। मेरा जैसा जी चाहेगा उसका वैसा ही उपयोग करूंगा। मेरा जैसा जी चाहेगा उसका वैसा ही उपयोग करूंगा। भीम ठहर पापी, मैं तेरी जुबान खींच के लूंगा। शांत कलाधारी भीम, शांत। स्वामी, द्रौपदी ने भरी सभा में आने से इंकार कर दिया। क्या कहा? इंकार कर दिया? क्या तुमने उसे मेरी आज्ञा सुनाई थी? सुनाई थी महाराज, मगर जैसे गीदड़ की आवाज सुनकर शेरनी पर कोई असर नहीं होता, ठीक वैसे ही मेरी आवाज सुनकर उन पर कोई असर नहीं हुआ। क्या दुशासन, तुम जाओ और द्रौपदी को घसीटते हुए यहाँ लेकर आओ। बड़े भैया, इससे अधिक प्रसन्नता की बात मेरे लिए क्या हो सकती है। अभी जाता हूँ और लेके आता हूँ उस घमंडी औरत को। चलो द्रौपदी, अब टूटेगा तेरा। द्रौपदी लो बड़े भैया। आपको द्रौपदी की साड़ी मिली थी उसे पहनने के लिए, इडियट। अब क्या करें? द्रौपदी, पांडवों को भूलकर मेरे कदमों में अपना शीश झुका। आज मैं देखता हूँ कि मृगी कैसे शिकारी के जाल से बचती है। दातों की देवी बातों से नहीं मानती। दुशासन जी हर दो इसका। दुशासन ने साड़ी उतार दी ना तो सारी भूल खुल जाएगी। ये सब क्या हो रहा है बेटा दुर्योधन? ना सती द्रौपदी का अपमान ना कर। सती? पिताजी, इसी ने तो एक दिन मेरे पानी में गिरने पर कह कहा लगाया था, मुझे अंधे की संतान बताकर अंधा बताया था। दुशासन आगे बढ़ो और चीर हरण करके इसे मेरी जांघ पर बिठाओ। अधर्मी पापी, तेरा सत्यानाश हो, कभी नहीं कामयाब पाने में। द्रौपदी तुझसे कुचाल हो, ऐसी सती की जय हो, जय हो, जय हो। ठहरो दुशासन, ठहरो। जय हो ऐसी सती की जय हो। द्रौपदी के मान को हम कभी न भंग कर सके, क्या है ताब हमारी जो उसे नग्न कर सके। अरे, गंगा ये दुबे की शक्ल को क्या हो गया? मणि सती पर मेरा हाथ कभी ना उठेगा। जय हो ऐसी सती की जय हो। धर्मराज, अगर तुम आज्ञा दो तो मैं इसकी जुबान खींच के लूं। अबे शांत कर्णधारी भीम, शांत। अरे दूसरा एक्टर कौन आ गया? दुर्योधन, दुर्योधन यार क्या कर रहे हो? तुम्हें द्रौपदी का चीर हरण करना है? नहीं नहीं, द्रौपदी जैसी सती नारी को देखकर मैंने चीर हरण का आइडिया ड्रॉप कर दिया है। और भीम ड्रॉप कर दिया है? नहीं, उठाओ। जय हो ऐसी सती की जय हो। भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? अबे कौन है तू? दुर्योधन। दुबे कहाँ है? दुबे। चिल्लाओ मत दुशासन, जय हो जय हो। धर्मराज, इसकी जुबान खींच के रुके। शांत कलाधारी भीम, शांत। अब नाटक मुझे ही संभालना पड़ेगा। भैया दुर्योधन, शायद आप भूल रहे हैं कि आपको कुछ और कहना है, कुछ और करना है। मुझे कुछ और नहीं कहना है, मुझे कुछ और नहीं करना है। मुझे हर हाल में द्रौपदी की लाज रखना है। रखना नहीं है, लूटना, हरना है। धर्मराज, खींच लूं जवान इसकी। शांत कर्णधारी भीम, तुम्हारा लोग नहीं है यार। दुशासन क्या कर रहे हो यार? प्ले डूब रहा है। अगर वो अपने डायलॉग भूल रहा है तो तुम बोल दो। बोल दो। भैया दुर्योधन, आगे बढ़ने की आज्ञा दो। नहीं, सिंह बनकर द्रौपदी पर मैं गरजता हूँ और उसके वस्त्र चीर के तुम्हारी जांग पे धरता हूँ। मुझे भी देखना है उसके धर्म में कितना बल है। आज्ञा दो बड़े भैया। मेरे भाई, ये क्या हो रहा है? आज्ञा दो बड़े भैया। आज्ञा कदापि नहीं दे सकता दुशासन। आंखों से अज्ञान की पट्टी उतार कर देख, इस पवित्र आर्य महिला में क्या है ऐसी।
ऐसी सती की जय हो, जय हो। भैया ये आप क्या कह रहे हैं? अबे कहना चीर हरने को सर नहीं। अच्छा ठीक का, तो मैं चीर हरता हूँ। मेरी बात सुन। हाँ। इधर आ। हाँ। हाँ, तो दुशासन बात समझ में आई? हाँ, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं भाई, मुझसे गलती हो गई। द्रौपदी भाभी का चीरहरण कदापि नहीं हो सकता। सती माँ की जय हो, जय हो सती माँ की जय। अबे जाओ भाइयों। अच्छा पांडवों भाइयों, अब आप लोग घर जाइए हैं। हम भोजन के बाद द्रौपदी भाभी को आपके पास भिजवा देंगे। अब आप लोग जाइए जाइए। प्लीज यहाँ से जाइए, प्लीज जाइए ना, पिंड के बच्चे भाग यहाँ से। अरे यहाँ जी प्रणाम स्वीकार करो। नमस्कार। ये क्या हो रहा है द्रियोधन? आप चुप रहिए पिताजी। अर्जुन के पीछे त्रित्राष्ट्र के पुत्र, द्रौपदी को वापस कर, वो मेरे साथ जाएगी। शांत गदाधारी भीम, शांत। मैं उसे नाटक में द्रौपदी तेरी अकेले की नहीं है, हम सब शेयर होल्डर हैं। मगर बड़े भाई के वचन का पालन करना ही पड़ेगा। क्यों? अबे नाटक में ऐसा लिखा है। ओए चलो, है पालन तो कभी हमने अपने बाप की आज्ञा का नहीं किया, तू चीज क्या है? सावधान भीम, बड़े भाई का भरे दरबार में अपमान। ओए चुप है अर्जुन सिंह, ये सब क्या हो रहा है? अरे भाई अर्जुन, ये तो तुम्हारी इंसल्ट है। अगर ये गधा गदाधारी है तो तुम भी धनुषधारी हो, रॉबिनहुड। सावधान भीम, बड़े भाई से क्षमा मांग, वरना धनुष बाण तेरे सीने को छिल्ली छिल्ली कर देगा। ओए तेरे धनुष बाण की, ये ले 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 ले, भड़ ले जा। धनुष तोड़ दिया, 30 रुपए का नुकसान कर दिया। नाटक में भी देखा तूने? मैंने कहा नाटक नाटक बाहर को जा तू सब। ये सब क्या हो रहा है? भीम, मैं वचन दे चुका हूँ, द्रौपदी को छूने से पहले मेरा सर फोड़ना होगा। अब मैं द्रौपदी को ले जा सकता हूँ। ठहरो, 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 ठहरो। द्रौपदी को कोई हाथ नहीं लगा सकता, ठहरो। ओए, ओए त्रिनेजा, तू किधर से आ गया? कहाँ से अटपका? नायक, अधर्मी, दुराचारी, भ्रमाचारी, भ्रष्टाचारी, बहुत सॉरी। तू मुझे नहीं पहचानता, अपने ससुर को नहीं पहचानता, मैं हूँ द्रौपदी का बाप द्रुपद। ये सब क्या हो रहा है? चलो बेटी हम चलते हैं, चलो देखें हमें कौन रोकता है। बादप बाबुल हैजा होशियार, शहंशाहों के शहंशाह, बादशाहों के बादशाह, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर तशरीफ ला रहे हैं। दिस इज टू मच, ये अकबर का वजीर टपका। द्रौपदी हमारी है। चलो ऊजा साहब जल्दी की चलो। जी हाँ हाँ चलो चलो द्रौपदी। ए ऊजा, ए ए चुप रहिए, ठहरिए, ठहरिए अब्बा हुजूर, ठहरिए। ऑर्डर अशोक थामा। हुजूर, मुगलिया सल्तनत के शहजादे सलीम के रहते हुए किसी की ये मजाल कि कोई अनारकली को हाथ भी लगाए? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अशोक। किसकी है यह फैसला सिर्फ धृतराष्ट्र कर सकते हैं। होल्ड इट, न पांडव द्रौपदी के लायक है न कौरव। ये द्रौपदी द्रुपद के साथ और मेरे साथ क्षतीर्थ यात्रा को जाएगी। अरे
यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर तरनेजा। मिस्टर वाटवे, आई एम श्रीवास्तव। सर आप यहां? आप इन्हें गिरफ्तार कर सकते हैं लेकिन 5 मिनट के बाद। सर अब हमारे सामने एक ही रास्ता है बचने का, कि हम सब आपसे डिफरेंसेस को भूलकर इस झगड़े को यही खत्म करें, वरना सबके सब मारे जाएंगे। और सबके सब क्यों मारे जाएंगे? खून हमने थोड़ी किया, खून तो तरनेजा ने किया। देखो ओझा, अगर मैं डूबूंगा तो तुम सबको साथ में लेकर डूबूंगा। तुम सब लोगों की काली करतूत से मैं अच्छी तरह वाकिफ हूं, समझे तुम? तुमने तो मुझे मारने की कोशिश की थी, मैं क्यों समझौता करूं? और तुमने वो जनता की भलाई का ढोंग रचने के लिए वो मैगजीन निकालना शुरू कर दिया था ताकि तुम मुझे ब्लैकमेल कर सको। तो क्या जो उस कुड़ी ने लिखा था वो ठीक नहीं लिखा था? सब जानते हैं। और तुमने 4 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट जो ले लिए हमसे। इंस्पेक्टर साहब एक और बात बता रहा हूं, ये श्रीवास्तव साहब है ना कमिश्नर, इस घपले में इनका भी हाथ है। क्या बात कर रहे हैं? ये तरनेजा के खास दोस्तों में से हैं। तरनेजा का पैसा खाते हैं ये, तरनेजा ने रिश्वत देता है और तरनेजा जो कहता है वो ये करते हैं। आई डोंट बिलीव इट। आई एम टेलिंग यू द ट्रुथ इंस्पेक्टर साहब। ये फोटोग्राफ्स हैं, 10 डेज की फोटोग्राफ्स हमारे पास जो रिवाइज किए गए हैं। ओके, इफ ही इज गिल्टी ही विल बी पनिश्ड। तो ठीक है, हमारे बीच जो फैसला हुआ उसे मैं एक बार फिर से दोहराओ। मिस्टर तरनेजा, आप शोभा जी को 20 लाख रुपए देंगे, राइट? मिस्टर आहूजा, आप और मिस्टर तरनेजा के बीच में पुलों के कॉन्ट्रैक्ट में से बराबरी का हिस्सा, राइट? और अच्छा, तो ठीक है। लेकिन जब पुल टूटा है उसका क्या होगा? वो सब तो मुझ पे छोड़ दो। पुल के टूटने की इंक्वायरी से साबित होगा कि पुल को सबोटाज किया गया है, और वो सबोटाज उन 2 आदमियों ने किया है जिन्हें उस रात उस पुलिसमैन ने पुल के नीचे देखा था। थैंक यू मिस्टर श्रीवास्तव, कमिश्नर श्रीवास्तव। जब तक ये लोग बेकसूर साबित होंगे 6 महीने गुजर चुके होंगे और पुल टूटने का सारा मामला ठंडा पड़ चुका होगा। लोग सब कुछ भूल जाएंगे और ये दोनों बलि के बकरे बनेंगे। किसी ने ठीक ही कहा है, सच्चाई की हमेशा जीत होती है और बुराई की हार। ये कामदार और अशोक उसका मतलब ये साला जासूस है, ब्लैकमेल। मिस्टर भाटवे, 1 मिनट। इंस्पेक्टर साहब, बेस्ट ऑफ लक। डोंट वरी। देखते हैं अब धरे जाएंगे सारे के सारे। सुधीर, क्या है कि अब शायद राष्ट्रपति भवन भी है। अरे पर दुकान का क्या होगा विनोद? दुकान काम तो दुकान जरा बड़ी ले रही है।